पास सुबह रोड पे पुलिस को एक अनजान आदमी की लाश मिली है। यहाँ पे तो बार बार होता है, कोई पूछने भी नहीं आता है। रात में बाहर निकलने से बहुत डर लगता है सर। ये सब तो यहाँ होता ही रहता है, पिछले महीने भी मर्डर हुआ था, हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है। क्या हुआ माँ? क्या हुआ? अरे रहने दीजिए। अरे रे रे रे। नहीं नहीं नहीं, बैंडेड पट्टी लगाओ, देख कर काम नहीं कर सकती हो क्या? फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। हेलो, इन जनाब को सर, रमेश, रमेश बोल रहा हूँ सर, प्रॉपर्टी ब्रोकर है। घर, दुकान, ऑफिस, ये सारी चीजें इन्होंने कई लोगों को दिलवाई हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इन्हें ब्रोकरेज नहीं दी है, और उन लोगों से ब्रोकरेज वसूल करना इन्होंने नहीं छोड़ा। हाँ बोलो। अब तक बोल ही रहा हूँ सर, कितनी मेहनत से आपको ऑफिस दिलाया और आपने अभी तक मेरा ब्रोकरेज नहीं दिया सर, बताइए ना कब देंगे? दे दूंगा, कभी मना किया है क्या? दे रहे, ठीक है सर, सॉरी सर, तो मैं कहाँ हूँ सर? आज स्ट्राइक है, अगले हफ्ते आ जाना। सर गवर्नमेंट से पगार लेते हैं, मोबाइल की दुकान भी खोल रहे हैं, जल्दी से मेरा भी पेमेंट कर दीजिए ना सर। जल्दी नहीं हो पाएगा। ओ ऐसा है क्या? हाँ ऐसा ही है। ऐसा है तो ठीक है सर, मुझे भी अपने तरीके से लेना आता है, मैं देख लूंगा सर। तुम्हें जो करना है कर लेना, ठीक है? आप अभी फोन रखिए सर, मुझे क्या करना है मैं देख लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। कुछ नहीं है। पैसे नहीं दे रहा है सर, क्या लेकर आऊं? इसे और कोई काम नहीं है क्या? सुन, 3 एप्पल जूस। ओके सर। कल पियेंगे एकदम पक्का। पैसे इसका बाप देगा। तो क्या कह रहा था तू? यार पैसा तो उससे लेना ही है। ऐसे कैसे छोड़ेंगे, बहुत मेहनत की है। तो फिर कैसे लेंगे यार? मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है, उससे हमें 40,000 रुपए लेने हैं ना, लेकिन वो 40 नहीं, अब हमें देगा 4,00,000 रुपए, वो भी ऐसे नहीं, गिड़गिड़ा कर मेरे पैरों में गिर के देगा, ले लीजिए कह के। वो कैसे? उसके लिए एक कांड करना होगा। कांड करने से पैसे मिल जाएंगे क्या? ए, कांड करना मतलब मेरे पास एक आइडिया है। यार तू क्या सोच रहा है, मैं समझ गया। तुम लोग मुंह बंद रखो वरना मैं आइडिया भूल जाऊंगा। ठीक है जल्दी बोल। उसका एक बेटा है, उसे उठाएंगे, डराएंगे और पैसे वसूल करेंगे। हम लोग? हाँ हम सब। उसका बेटा ज्यादा भारी है क्या? हेलो 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 हेलो, बदतमीज कहीं का। वेस्ट ऑफ टाइम। तेरे लिए कॉलेज बंक करके यहाँ कब से वेट कर रहा हूँ यार। सुबह से सर में बहुत दर्द हो रहा है, चल चल के मेडिकल से दवा लेके आते हैं। ठीक है, मेरा एक छोटा सा काम भी है, साथ में वो भी निपटा लेंगे। ठीक है चल। यार मैं तो उसके पीछे जा रहा हूँ, तू अभी निकल यहाँ से। यार इतनी भी खास नहीं है, एनीवेज तेरे लिए छोड़ रहा हूँ, ऑल द बेस्ट। ठीक है मैं चलता हूँ। बाय। हे नया मोबाइल कितने में लिया? 7,000। मेरे पापा की मोबाइल की शॉप है ना, 3,000 मैंने खुद से डाल दिए। थैंक्स। दो इसे मैं ओपन करता हूँ। ये। हे, इसे तुमने लगाया? हाँ। बहुत अच्छा है। सिम कार्ड। लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। तो पीछे ही पड़ा है। हाय। मेडिकल, मोबाइल, इन सब के लिए थैंक्स। कल ही इसके पैसे देती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। गुड मॉर्निंग पापा। जब तुम खुद कमाती हो तो मेरे पॉकेट में हाथ क्यों डालती हो? रख दिए पापा, आपके पैसे आपके पॉकेट में रख दिए। मैं तुमसे नहीं कह रहा था बेटी, दिव्या 2 से कह रहा था। नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारे पैसे पक्का लौटा दूंगी। और हाँ प्लीज यहाँ रोज मत आना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार करूंगी यही सोचकर तुम यहाँ रोज आती हो ना। हाँ हाँ। सॉरी,
ये भी हाथ से चली गई। क्या तुम सच में प्यार नहीं करोगी? ओके, नो प्रॉब्लम, सामने वाली को ट्राई करता हूँ। ए आदि रुको, आदि रुको, आदि मेरा मतलब वो नहीं था, अभी थोड़ा मुश्किल है, 2 हफ्ते रुकोगे? ओके, 2 दिन? ओके ओके, चलती हूँ, बाय बाय। भाई है? मैं जहाँ बुलाता हूँ वो आती है, है? वो जहाँ बुलाती है मैं भी जाता हूँ, तो इसे प्यार ही कहते हैं ना? हाँ प्यार ही कहते हैं, लेकिन एक बार उससे हा? बात करके पूरी तरह से कंफर्म तो कर ले भाई। ऐसा क्या? हाँ भाई, पक्का काम बन जाएगा। सच में? और जरा ये जल्दी कर ले, वरना लड़कियों का मन बदल जाता है। वो हमेशा इसी रास्ते से गुजरता है। यार मैंने कहा था ना, ये वही जगह है, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, यहीं से उठाना है उसे। ठीक है यार। छोटे, फैन चालू कर। क्यों, हवा नहीं लग रही सर? बाहर से अच्छी हवा आ रही है, फैन की जरूरत नहीं है। तू जा, वैसे भी फैन की हवा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। क्या पूछ रहा था तू? अरे यही कि उसको कैसे उठाएंगे? कार में। नहीं समझे ना तुम लोग? इस रुमाल में क्लोरोफॉर्म डालूंगा, इसे उसकी नाक पर रखने से वो 2 सेकंड में बेहोश हो जाएगा। फिर तू क्या करेगा? उसको पकड़ लेगा, मैं सर पकड़ूंगा, तू पैर पकड़ लेना। मस्त है यार, क्या सोचा है? तू सर पकड़ेगा, ये बॉडी पकड़ेगा, और मैं पैर पकड़ूंगा। चाहे जिंदगी भर भूखा रहना पड़े, किसी के पैर मत पकड़ना, ऐसा मेरे पिता ने कहा है। क्यों, इसे पकड़ने को बोलना? नहीं नहीं सॉरी यार, मैं किसी का पैर नहीं पकड़ूंगा। मेरी माँ पता है मुझसे क्या कहती है, जिंदगी में अपनी मेहनत से आगे बढ़ो, कभी किसी का पैर नहीं खींचना चाहिए। मैं नहीं पकड़ने वाला। इस तरह तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। ए, तू मुझे क्यों बोल रहा है, खुद ही पकड़ना। अरे मैं अगर पैर पकड़ूंगा तो उसे बेहोश कौन करेगा? क्यों, मैं करूंगा। ए, तू ठीक से कर पाएगा? ए, सुनो। ए, वो मुंह है। ए, ये मुंह है, ये नाक है, दोनों के बीच में कितना फासला है। ठीक है, ओके ओके। फिर गाड़ी तू चलाएगा, जब स्टार्ट कर बोलूंगा तो स्टार्ट करेगा, स्पीड में जाने बोलूंगा तो स्पीड में जाएगा, और रोकने बोलूंगा तो रोकेगा। ओके ओके, फिर डन डन। तू भी डन। इसे क्यों चला रखा है? वो क्या है कि हम लोग पहली बार किसी को किडनैप कर रहे हैं ना, थोड़ा बिल्डअप होना चाहिए ना। अबे बैटरी खत्म हो जाएगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, बंद करना यार इसको। गाड़ी बैटरी पे चलती है क्या? नहीं, डीजल से। बंद कर। अच्छा। हे भगवान, लोगों को क्यों रख लिया अपने साथ में? देख वो, देख वो, देख वो, देख। वेट। ए, वो जो लड़की जा रही ना, उसे गुलाब देगा वो गुलाब ले लेगी और फिर वो चली जाएगी, फिर वो अकेला यहाँ आएगा, तब उसे उठा लेंगे हम लोग। कार स्टार्ट करके रखना, ठीक है? रेडी? आज मैं उसे प्रपोज करने वाला था और तू आज उसे उठा के ले जा रहा है, क्या करूँ मैं? अब क्या करें यार? भाई वो मेरी लवर को उठा के ले गए हैं, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए प्लीज। आओ बैठो। थैंक यू। अंदर आ जाओ। अपना काम है, चल चल। फास्ट फास्ट पकड़ लेंगे बॉस, फिक्र मत करो। देखा बॉस अपनी गाड़ी कैसे मस्के की तरह चल रही है। क्या हुआ बॉस? जरा धक्का मारना पड़ेगा। भाई जरा आप भी धक्का मारो ना। बॉस बोला है तो बॉस की तरह इज्जत तो दे। हाँ।
अरे हम लोगों को उसे किडनैप करना है और तुम लोग खुद आके बैठ गए। मैंने कहा ना वो खुद ही आ जाएगा। भाई आप तो मुझे छोड़ के ही जा रहे थे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, पीछे आराम से बैठिए। भाई गाड़ी थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। आप मुझसे मत बोलिए, इनसे बोलिए। आप ही समझाओ ना। हे भगाना यार। भाई ये तो आप मुंह से आवाज निकाल रहे हो। ये गाड़ी इतनी फास्ट चलती है, इससे ज्यादा फास्ट चाहिए तो मुंह से ही चलानी पड़ेगी। चुपचाप बैठो। भाई यहाँ बहुत जगह, यहीं आके बैठ जाओ ना। ब्रो तुम अपना काम करो ना, हम लोग को अपना काम करने दो। भाई कोई बात नहीं, आके बैठ जाओ। ब्रो अपना मुंह बंद करके बैठो ना, एक तो हमारा प्लान बदल गया, हम ऐसे टेंशन में हैं, और तुम हो कि तुम पका रहे हो। चलो इधर आओ, सेंटर में आओ, चलो इधर आओ, चलो ना इधर आओ, बैठो ना आराम से बैठो। अरे ठीक से बैठो ना, बैठो आराम से। थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। थैंक्स। ए ठीक से दबा, बहुत आवाज आ रही है, किसी ने देखा तो गड़बड़ हो जाएगी। गाड़ी में बहुत फुदक रहा था, पैसा मिलते ही गला काट देंगे। किसका? तेरा। चुपचाप चल। ये महाशय है राजा, बगल में जो खड़े हैं उनके असिस्टेंट हैं लोटा प्रसाद। बगल मतलब मैं पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, बगल में खड़े इस कार्टून की बात कर रहा हूँ। कई साल अंदर रहने के बाद ये आज रिहा हो रहे हैं। इनका रिहा होने का मतलब है ये फिर से कोई नया कांड करेंगे। बाहर आ गए हैं तो शुरू करें। हाँ करते हैं भाई। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? पहुँचने के बाद बताऊंगा, अब चुपचाप चल। उधर पहुँचने के बाद तो मैं खुद ही समझ जाऊंगा। तू इतना समझदार है इसीलिए मेरे साथ है। ये सस्पेंस पता नहीं कब ओपन होगा। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। ये है डैन, इस शहर का दादा। मारना पीटना मर्डर करना ये सब इसका जॉब है, और ये सब कुछ ये फुल एंटरटेनमेंट के साथ करता है। ये लो, लगता है भाई गुस्से में है, अब जरूर कुछ ना कुछ होगा। क्या हुआ? सुना है राजा बाहर आ गए? हाँ भाई। Hey, कैसे हो यार तुम? ठीक हो भाई? ये कौन है भाई? इनका भाई पीटर है। ये अपने भाई को बहुत चाहते हैं, अपने भाई पे जान छिड़कते हैं। अरे कॉल करता मैं लेने आ जाता। कोई बात नहीं भाई। तुम अकेले आए? देखो ये सब गुंडे, इनसे दूर ही रहना, तुम्हें इनकी तरह नहीं बनना है। मेरी किस्मत में तो यही लिखा था, तुम्हें इनमें नहीं पढ़ना है। ठीक है भाई। पढ़ाई हो गई, अब विदेश चला जा। ठीक है भाई। वही एक लड़की देख कर सेटल हो जाना और मस्त जिंदगी जीना। ठीक है, मेरी बात समझ गए? ठीक है भाई। खाना खाया? हाँ भाई, हाँ भाई। कुछ पैसे देता हूँ जी। ये ले। अब जा जा जा। भाई ये कौन है? इन्होंने भाई को बोला था कि गाड़ी यहाँ नहीं वहाँ खड़ी करो, जबकि अपना इलाका है। कौन है बे तू? एरिया का काउंसलर हूँ। काउंसलर है ना, तो मेरे भाई पे चिल्लाएगा? तो पंच में ही फोन आ गया। अब तू जा। ठीक है भाई, चलता हूँ। बाय बाय। हाँ तो राजा कौन है ये लड़का? दिखने में अजीब लग रहा है। अपना ही आदमी है और बहुत काम का है। इस बार तो मिस नहीं होगा ना? बिल्कुल मिस नहीं होगा, इस बार जरूर हो जाएगा। वैसे हम भी ये डैनी एक गलती दोबारा नहीं करता। तो फिर दूसरी गलती करेगा क्या? अगर इस बार मिस हुआ ना तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। ऐसा नहीं होगा भाई। चल जा। भाई जेल से बाहर आने के बाद क्या करेंगे बताऊंगा बोले थे ना? हार चोरी करके एक जगह पे रखा हुआ है, उसे निकालने जा रहे हैं। उस हार को मैंने, डैनी और रेशमा तीनों ने प्लान करके चोरी किया था। सबको बराबर हिस्सा मिलने की बात हुई थी, पर डैनी ने रेशमा को गोली मार दी
और मुझे फंसाकर उस हार को हड़प करना चाहता था। पर मैं भी कम नहीं हूँ, मैं वहाँ से बच निकला और इस समय हार मेरे कब्जे में है और मैंने उसे हिफाजत से छुपा रखा है। डैनी से तो हार मैंने बचा लिया पर पुलिस के शिकंजे से नहीं बच सका। मेरे जेल जाने के बाद डैनी ने कई जगह हार को ढूंढा लेकिन नहीं ढूंढ पाया। अगर वो बदमाश है तो मैं भी कम नहीं। केटी, जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने मुझे जेल से बाहर निकाला। अब उस हार में मेरा और डैनी का ही हिस्सा है। भाई, उस हार की कीमत क्या होगी? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। वो हार कहाँ पे है? वो भी बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये तूने अच्छा सवाल किया। चाय पीने जा रहे हैं। चल। यहाँ पे भी सस्पेंस है। हेलो भाई, लड़की को उठा लिया भाई, एकदम सेफ है। भाई को पता नहीं चलेगा ना? टेंशन मत लो भाई, भाई के कानों तक नहीं पहुँचेगा। ओके, उधर ही रुक, आता हूँ मैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या, ऐसा दिव्या से बोलना है। प्रवीणा से नंबर लिया था। मैंने तुम्हें नंबर दिया है उससे ये मत बताना। तुम्हें जो कुछ भी कहना है व्हाट्सएप पे कह देना। ओके प्रवीणा। हाय दिव्या, मैं पीटर बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू एक अच्छी लड़की है, लेकिन मैं कहता हूँ तू बहुत ही अच्छी लड़की है मेरे लिए। मेरे दोस्त कहते हैं कि जब तू चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ तू चलती है तो गजब ढा देती है। मेरे दोस्त कहते हैं तू हंसती है तो अच्छी लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ तू हंसती है तो मेरा दिल उड़ा कर ले जाती है। इसलिए दिव्या, आई लव यू सो मच। देखना अभी रिप्लाई करेगी वो। अरे रिप्लाई कर भी दिया। हाय पीटर, मैं दिव्या। अरे मेरा नाम ले रही है। हाय पीटर। यार वापस मेरा नाम ले रही है। हाय पीटर। अरे यार फिर से। अरे यार पहले पूरा ऑडियो सुन तो। सब लड़कियां कहती है कि तुम बहुत स्मार्ट दिखते हो, पर मेरा मानना ऐसा है कि तुम बहुत बकवास दिखते हो। ये लड़कियां कहती है कि तुम बहुत हाईफाई हो, पर मैं कहती हूँ तुम एकदम बंदर जैसे लगते हो। सब लड़कियां कहती है सामने से प्रपोज करोगे तो तुम एक्सेप्ट करना, लेकिन मैं कहती हूँ तुम सामने दिखोगे तो मार ही डालूंगी। यार ऐसे बोल रही हो? दिल टूटना कोई बड़ी बात नहीं है पीटर। उस लड़की को उठाएंगे, फिर एक कमरे में बंद कर देंगे पूरे एक दिन के लिए। पूरे एक दिन के लिए। फिर तुझे जितना भी प्यार आए निकाल लेना मेरे भाई। उसके बाद वो लड़की तेरे साथ प्यार से पेश आएगी या चप्पल दिखाएगी, वो तेरे ऊपर डिपेंड है। ओके ओके, लड़की को उठा लिया यार, एकदम सेफ जगह पे है। दिव्या मुझसे प्यार करेगी, मैं करवा के रहूंगा। होशियार रहना, पहचान वाला दिखेगा तो भी इग्नोर कर देना। सुन रहे हैं नहीं यार। इस चिंपैंजी को मैंने कहीं देखा है। अरे ये तो वही चिंपैंजी है। ये हम लोग फंस गए यार। क्यों, वॉलेट घर पे भूल गया क्या? कोल्ड ड्रिंक पी के क्यों बड़बड़ा रहा है? अभी तो पीना भी शुरू नहीं किया। पीछे की टेबल से एक बंदा हमें घूर रहा है। कौन है रे? उसे पता नहीं चलना चाहिए। इससे अच्छा तो तू वैसे ही देख लेता। ए, लेकिन ये हमें क्यों घूर रहा है? हाँ यार, वो इसी तरफ देख रहा है। सुनो यार, जहाँ से उस लड़के को उठाए थे वहीं देखा था इसने मुझे। सच में? यार सच्ची में यार। अरे यार अब क्या होगा? पुलिस भी हो सकते हैं। पुलिस वाला नहीं लगता, I think सीक्रेट एजेंट होगा। अरे बाप रे, क्योंकि वो लोग ही इतने बकवास जूते पहनते हैं। अरे बोल ना यार, अब क्या करेंगे? यार वो अपना हाथ टेबल के नीचे ले जा रहा है, लगता है गन ढूंढ रहा है। यार लगता है नीचे से गन निकाल रहा है। हाँ यार, पहले के जैसे फंसने वाले हैं अपुन, सब खत्म हो जाएगा। 5 साल के लिए अंदर डाल देंगे हमें। अपने चेहरे पे ऐसे डर मत दिखा, मेरी तरह कॉन्फिडेंट रहे ना। तू ऐसे हाथ मत हिला, समझ जाएंगे वो लोग। मैं कहाँ हिला रहा हूँ यार, ये खुद ब खुद हिल रहा है।
अब हमारा काम खत्म। लास्ट चांस, वो लोग सीक्रेट एजेंट है या नहीं कंफर्म करता हूँ मैं। लगता है वो लोग प्लान कर रहे हैं। ये मैं। टू। अरे ये तो मैं हूँ यार। थ्री। ये मैं हूँ यार। इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी, इंकी पिंकी पोंकी। कंफर्म वो सीक्रेट एजेंट है। ए, जैसे ही मैं तुम लोगों को 1 2 3 बोलूंगा हम लोग भाग चलेंगे। 3 2 1 बोलते ही सब गायब हो जाएंगे। ठीक है 1 3 2 2 जल्दी बोल भाई, जान निकल रही है। 3 अरे किधर हो तुम लोग? यार सीक्रेट एजेंट हम लोगों को फॉलो कर रहे हैं, डर लग रहा है यार। क्या बकवास कर रहे हो, उल्टे सीधे कपड़े पहनने वाले सब सीक्रेट एजेंट नहीं होते। सीबीआई को भी देख लूंगा, बस उस लड़की को कहाँ रखा है ये बता दो। भाई गांव देवी मंदिर के मेन रोड पे ओल्ड फैक्ट्री, तू जल्दी से आ जा यार। 10 मिनट में पहुंचता हूँ। यार 4 घंटे में पेंट करके कमा लेंगे, लेकिन किडनैप करके कमाने में बहुत मुश्किल हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ये सारा काम छोड़ दो यार, अभी भी वक्त है, मान जाओ यार। हाँ यार, डर के मारे लगता है हार्ट अटैक आ जाएगा। चिंता मत करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा बॉस। इसीलिए तो डर लग रहा है। बकवास बंद करेगा या नहीं? मुझे भी डरा रहे हैं ये लोग। मैंने नहीं किया है यहाँ, ये सब क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गॉड प्रॉमिस, मैं तुमसे प्यार करता हूँ दिव्या। सच कह रहे हो? सच में प्यार करता हूँ। वो बात नहीं है, जिन्होंने मुझे किडनैप किया उनके साथ तुम्हारा क्या संबंध है? तुम्हें कैसे समझाऊं, मैं इन्हें नहीं जानता। क्या करूं आदि, यहाँ से कैसे निकलेंगे, जल्दी से सोचो। दिव्या दरवाजा लॉक है, खुल ही नहीं रहा। क्या दरवाजा नहीं खुल रहा है? कोशिश करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या करूं यार, मैंने तो अपने आप को ही किडनैप करा लिया। क्या भाई, इतने छोटे काम के लिए डर रहे हो? कितने बड़े बड़े काम किए हैं हम लोगों ने। लड़की को पीटर के हवाले कर देंगे, पैसा लेंगे और गोवा बैंकॉक दुबई जाके मजे करेंगे। आ जाओ जल्दी। यहाँ तक आ गए ये लोग। अगर वो लोग पुलिस वाले होंगे तो खत्म कर देंगे। कुछ तो प्लान कर रहे हैं यार।
पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए वो लोग। ए तुम लोग क्या करोगे मालूम है? तुम लोग ना पीछे से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। चलो जाओ जाओ जाओ। हाँ वो लोग बगल में ही है। जल्दी जल्दी ये देख, हम लोग तीन लोग हैं, तीन चाकू है। इज्जत से अपना चाकू नीचे कर। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? नीचे कर। ए फटाफट आओ, अबे बचाओ मुझे। ये बटला ऐसे क्यों घूर रहा है? ए कहाँ जा रहा है तू? ये बटले को लाके बहुत बड़ी गलती की मैंने। तेरे पास तीन चाकू, मेरे पास चार चाकू, अब तो नहीं बचेगा। अबे किधर जा रहा है? अरे यार बहुत जोर की सुसु आ रही है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है यार। मैं करके आता हूँ, तब तक तू ऐसे ही रह। अरे इस शुगर पेशेंट को लाके बहुत बड़ी गलती की मैंने। अबे जल्दी करना। अरे जल्दी आना। अब जाके दिमाग काम कर रहा है। ले ये पकड़ना। ठीक है। अब तू कहाँ जा रहा है? अरे जल्दी से करके आ यार। अरे आ रहा हूँ ना यार, खत्म कर रहा हूँ। चल तू जा। ए तू कहाँ जा रहा है? ए तुम लोगों ने कर लिया, मेरी बारी है। तुझे बहुत टाइम लगेगा मोटे, यही खड़ा रह। सही दोस्त। यार ये लोग सच में पुलिस नहीं है, ये लोग सीक्रेट एजेंट है क्या? ऐसा ही लग रहा है। तेरा और उस लड़के का क्या संबंध है पता? वो तो लड़की है, फिर ये लड़का क्यों बोल रहे? तुम्हारा लड़की से क्या संबंध है ये बताओ। अरे वो लड़की है क्या? तू किसकी बात कर रहा है? 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 ए मैं बताता हूँ, हमने लड़की को किडनैप किया है। हम लोगों ने लड़के को उठाया है। फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट रूम, फर्स्ट फ्लोर सेकंड रूम। मैंने सोचा तुम लोग पुलिस वाले हो। अच्छा तुझे पुलिस वाला कौन लगा था? यार हमने सोचा तू सीक्रेट एजेंट वाला है। देखने में टार्जन लग रहा है, देखो है ना। यार हम लोगों में से सीक्रेट एजेंट कौन लग रहा है? देखने में चिक्की बेचने वाला जैसा लग रहा था, सीक्रेट एजेंट समझ गया। चलो जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम सब मिलके एक हो गए। हम दोनों अगर टीम बना ले तो फ्यूचर में जरूर कुछ बड़ा करेंगे। हाँ करेंगे। अब अपन लोगों के मिलके काम करने का समय आ गया है। करेक्ट। कई साल से ये जगह ऐसी पड़ी है, यहाँ कोई आता जाता नहीं है। सब लोग हमला करने के लिए तैयार हो जाओ। ये लोग कौन है? बगल में चाकू दबा हुआ है, इनके इरादे क्या हैं? भाई बात क्या है, झगड़ा करना है क्या? चाकू की धार बहुत तेज है, पर तू कौन है और इस टाइम यहाँ तेरा क्या काम? ए यही सवाल मैंने तुमसे किया है। एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो काट डालूंगा। ए पागल है क्या? मैं तो वहीं खड़ा हूँ, तू आगे बढ़ा। ए फटाफट तुम दोनों का सर जमीन पर गिरेगा। ठीक बोला भाई। गन भाई मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गए। ए क्या रे तू चाकू नहीं डालेगा? बोलोगे तो डाल दूंगा। क्या बोला? आप बोलोगे तो चाकू डाल दूंगा। क्या रे किस एरिया का है? भाई मैं नहीं। मुझसे बात करता वो लोग। भाई कौन लोग? वो लोग
हाथ नीचे, स्कूल के बच्चे हो क्या? किस लिए? पैसे के लिए। पैसे के लिए? कितने पैसे मिले? 3 लाख। 5 लाख। पांच लाख 3 लाख की रकम भी कोई रकम होती है क्या? इसके लिए किडनैपिंग? 5 लाख 3 लाख कम है क्या? पहली बार है भाई, कोई बड़ा हाथ मारने के लिए सोचा था। आप इतने ही बड़े हो तो यहाँ क्यों आए हो? अपनी कीमत बता दो। गोल्ड हार, 3 साल पहले उस हार की कीमत 25 करोड़ थी। 25 करोड़? क्या हुआ? ए, तुम्हें दिमाग है कि नहीं? 25 करोड़ बोल दिया। अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी माँ को कौन जवाब देगा? अरे क्या हुआ तुझे यार? उठ यार, उठ 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 जा। क्या हुआ तुझे? उठ 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 उठ। तू ठीक तो है ना भाई? प्लीज भाई, मुझे अपना असिस्टेंट बना लो ना। क्या बोल रहा है तू? जा रे भाई, प्लीज भाई। मुझे भी तुम्हारे जैसे लड़के चाहिए, पर एक से काम नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, तुम सबको रख लेता हूँ। कहाँ गए सब लोग? एक भी नहीं बचा। मैं डाउन होने के लायक ही नहीं हूँ क्या? कहाँ गए होंगे? तो ये लोग यही हैं। क्या बोलते हो, ओके है ना? ओके भाई, पर आप कितना दोगे? कितना चाहिए? हम लोग डिस्कस करके आपको बताएं, चलेगा? ए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आ जाओ पास में। भाई ये सब क्या चल रहा है? वैसे हमें कितना बोलना चाहिए? 2 लाख के लिए बोले क्या? भाई बोलने का तो पैसा लगता नहीं है, जो दिल में आए बोल दो यार। वो खुद 25 करोड़ की बात कर रहा है और तुम लोग क्या 2.5-2 लाख की बात कर रहे हो? अरे कम से कम 3 लाख बोलो यार। मेरी बात सुनो, जैसा तुम लोग सोच रहे हो उतना ज्यादा मैं नहीं दे सकता। हर एक को 10 लाख दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। नहीं बस, हम लोग को 3 लाख। अपना मुंह बंद रखो। ओके बॉस, ये सब मत करना। तो चलेगा ना? ओके बॉस। बॉस एक बार और बोलो। बॉस। तू बोल। बॉस। तू भी एक बार बोल। बॉस। बॉस। सब लोग मिलके बोलो। बॉस। वो हार यहीं कहीं तो है, अगर उन लोग को भी हिस्सा देंगे तो मुझे क्या बचेगा? इसलिए दूसरा प्लान करता हूँ, चलता हूँ। 10 लाख चेक में मिलेंगे या कैश में मिलेंगे? अगर चेक दिया तो अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्या भाई ऐसे क्यों देख रहे हो? अगर तुम सबको भाई के साथ काम करना है, जो बोलूंगा वो करना होगा। उन दोनों को खत्म कर दो। ये क्या कह रहे हो? खत्म कर दो? अगर वो दोनों बच गए तो समझ लेना हम सब लोग अंदर होंगे। ये तुम सबके लिए एक टेस्ट है। डिस्कवरी चैनल पे जैसे शेर शिकार करता है ना, वैसे ही ये काम अगर तुम लोग करोगे तो भाई अपने साथ रखेंगे। उस हार में भी तुम लोग का हिस्सा है। जाओ काम को ठीक से अंजाम दो, मैं और भाई यहीं पे वेट करेंगे। हिस्सा चाहिए तुम लोगों को, जेल में जाके हिस्सा लेना। कहाँ फंस गया यार? हम लोग जो करेंगे किसी को पता तो नहीं चलेगा ना, क्या बोलते हो? हाँ भाई हाँ, अगर यहाँ काट कर डाल देंगे ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सही कह रहा है, हम लोग 500,000 रुपयों के लिए कितनी तकलीफ उठाते हैं। करेक्ट, एकदम सही बोला। हाँ करेंगे। दिव्या क्या हुआ? बिल्ली। ये क्या हुआ थी? आधी खिड़की खुल गई। आधी रुको मैं यहाँ से आती हूँ। ये दरवाजा खोलने में मुश्किल हो रही है आदि। चलो जल्दी निकलते। अरे आदि वहां से नहीं, यहाँ से। चलो चलो
अरे यार इधर हाँ आओ अरे इधर इधर वो देख वहाँ पे बैठे अच्छा अरे वहाँ तो कोई नहीं यार कहाँ गए अरे तो डॉग चलो चलो आओ आओ चल आधी लगता है हम लोग फंस गए कितना भागोगे फंस गया ना गोली मारो बस उड़ा दो हाँ भाई मारी डालो अबे धोखेबाज यार तुम अबे तू यहाँ क्या कर रहा है वो सब तुझे जाने की जरूरत नहीं वो सिर्फ मेरी है उड़ा दे इस लड़के को तुम बोलो या ना बोलो उसको भी साथ में ठोकने वाले हैं मैं तेरी बात नहीं मान सकता दोनों को साथ में ऊपर भेजता हूँ भाई मार छोड़ दो भाई प्लीज नहीं नहीं छोड़ दे नहीं नहीं छोड़ दे छोड़ दे नहीं गड़बड़ हो जाएगी छोड़ दे नहीं भाई प्लीज प्लीज भाई छोड़ दे नहीं नहीं हे भगवान अरे ये क्या हो गया आदि चलो हम लोग यहाँ से चले जाते चलो चलो इधर से सब लोग मरने वाले हैं डैनी को पता चलेगा सबको मार डालेगा अरे किसने किया ऐसा कौन है वो पीटर एक लड़की से प्यार करता था उसी लड़की से आदि नाम का एक लड़का प्यार करता था उसी की वजह से ये सब हो गया भाई कहाँ रहता है वो भाई मुझे पता है मैं उसका घर जानता हूँ कहीं तो लेके चलता हूँ कौन हो भाई किससे मिलना है अरे बेटा कौन चाहिए किससे मिलना है पूछ रहा हूँ और चप्पल पहन के अंदर चले आ रहे हो हैं आखिर हो कौन तुम लोग मैं पूछ रहा हूँ किससे मिलना है गायत्री फौरन पुलिस को फोन करो क्या हुआ जी क्या हुआ आपको कल का वो ड्रेस बहुत अच्छा था ना ए कौन हो तुम माँ आ आ आ हाँ हाँ आओ 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 रमेश आओ क्या बात है बिल्कुल टाइम पर आए हो देखो तो जरा अरे ये क्या कर रहा है छोड़ो उसे अरे आदि ए ये क्या कर रहे हो छोड़ो भाई था मेरा एक ही भाई था उसी के लिए जी रहा था मैं और उसे मार दिया तूने अभी दर्द हो रहा है ना ऐसा ही दर्द तुझे जिंदगी भर होगा जब तक तू मरेगा नहीं मैं ये फिल्म देखते हुए सो गया फिर ये सपना इसका क्या मतलब है यहाँ पे तो ये बार बार होता है कोई पूछने भी नहीं आता है ये सब तो यहाँ होता ही रहता है पिछले महीने भी मर्डर हुआ था हमारी बात कोई सुनता ही नहीं है
क्या हुआ, हाथ काट लिया क्या? सावधानी से तुम्हें प्याज काटना चाहिए था। हेलो सर, रमेश बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। मेरी ब्रोकरेज देने वाले थे, कब दे रहे हो सर? आज नहीं हो पाएगा। हाँ आज नहीं होगा। नहीं होगा ना, तो ठीक है मैं देख लूंगा फिर। ठीक है जो तुम्हें करना है कर लेना। भगवान मेरे सामने आएंगे तो कल जो होने वाला है आज ही मुझे पता चल जाए, ऐसा वरदान मांगूंगा। कल जो होने वाला है वो आज ही पता चल जाए तो कितना अच्छा होगा ना पापा। कल वो लड़की क्या बोलने वाली है अगर आज ही पता चल जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। भगवान के बहुत सारे चेहरे हैं, वो एक शक्ति है, वो एक रोशनी है, वो अच्छाई भी है जो लोगों को बचाने के लिए। आज तो इसे 6 मारना ही है। आजा भाई, क्या बात है, बहुत थका लग रहा है? यार सर में बहुत दर्द हो रहा है। यार आज सुबह मैंने एक सपना देखा है? सोचा कि सपना ही है पर वो सब सच में होता जा रहा है। ये क्या बात कर रहा है? मैं सच बोल रहा हूँ यार, मैंने जो कुछ भी देखा वो सब हो रहा है। यार सपने कोइंसिडेंस की तरह होते हैं यार, कभी सच होते हैं और कभी झूठे होते हैं। वो सब भूल जा, चल खेलते हैं। फेक 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 बॉल फेक। ए तू हमेशा उधर ही मारता है। बॉल है भाई। क्या ब्रदर, हम लोग भी खेलें क्या? ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे भूत को देख लिया है? ओ लगता है तुम्हें देख लिया। लो ए आदि, बॉल दे यार। भाई जो मेरे सपने में आया था ना वो मुझे वहां दिखा। हा? जो मैंने सपने में देखा कहीं वो असलियत में ना हो जाए तो इसे पकड़ में आता हूँ। कल तक तो ये ठीक था। ए आदि, चक्कर क्या है, दिमाग पे चोट लगी क्या इसके? रस्सी मजबूत है ना, उसे उल्टा लटका के मारेंगे यार। हाँ यार, मुंह पे मारेंगे, नाक पे मारेंगे, अपने पेट पे लात मारता है ना, बांध के ही मारेंगे ना। हाँ यार, अब वो फिर से नहीं मार पाएगा, डरो मत, हमको फंसाएगा तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या उसे? भाई एक ऑरेंज जूस देना। हाँ यार यहाँ पे जूस पीने आया था। हाँ ठीक है निकलता हूँ। आवाज तो सुनी सुनी सी लग रही है। हाँ बस निकल रहा हूँ। हाँ ठीक है ओके बाय 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 बाय। ए चलो रे। ऐसी तो कोई जगह है ही नहीं।
गांव देवी मंदिर जाना है, कैसे जाऊं बेटा? गांव देवी का मंदिर सीधे जाके राइट में जाओ, पास में ही है, पैदल जा सकते हैं। क्या हुआ? मैं आपसे हमेशा कहता था ना कि जो कल होने वाला है वो हमें आज पता चल जाए तो अच्छा होता ना। ऐसा क्या? मैंने आज सुबह एक सपना देखा, वो असलियत में हो रहा है, उसे रोकना होगा। मुझे आपकी हेल्प चाहिए पापा। भूत का सपना था क्या? ऐसा कुछ नहीं है पापा। तो फिर ठीक है। आज सुबह ही आपने किसी को पैसे देने से मना किया था ना, उसको यहाँ बुला के पैसे दे दीजिए पापा। पैसा? मम्मी की चेन गिरवी रख के पैसे दे दीजिए पापा, प्लीज। क्या हुआ पापा? कॉल नहीं उठा रहा है बेटा वो। ठीक है, मैं पीसीओ से ट्राई करता हूँ। अरे यार अभी फोन किसका बज गया? हेलो हेलो हेलो, मैं आदि बोल रहा हूँ। आदि? कौन आदि? आपको पैसे देने वाले थे ना वेंकट राव, उनका बेटा आदि। हेलो हेलो, प्लीज भाई बात करो। हेलो 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 भाई, प्लीज बात तो करो। हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हेलो हेलो, बात तो करिए। ये तो मुझे ही कॉल कर रहा है, लाइन पे है। हेलो, स्पीकर ऑन कर। हेलो भाई, आप सुन रहे हैं या नहीं? हेलो हेलो भाई, प्लीज भाई घर पे आके पैसे ले जाइए ना, इसीलिए मैंने कॉल किया है। नहीं छोटे, तेरे पापा का बात करने का ढंग ठीक नहीं है, हम देख लेंगे, तू फोन रख दे भाई प्लीज। ये तो वही गाड़ी है, वही कृष्ण भगवान की फोटो भी। यार वो देख रहा है, अपने को ही देख रहा है। ए, इसको तो कल उठा, गाड़ी निकाल। आज क्यों आ रहा है? अरे अपने को देख रहा है यार, चल चल ए, गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल, चल 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 चल। ए थोड़ा पीछे लेना, क्या बात है, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों खड़े हो? फ्रेंड्स है सर, बात कर रहे हैं बस। फ्रेंड्स है तो घर जाकर बात करो, सड़क पर क्यों खड़े हो? स्टार्ट करने से पहले ही फंस जाएंगे लगता है। बस दो मिनट निकल जाएंगे सर। ठीक है जल्दी निकलो। ओके सर। ये लो बेटा, बहुत अच्छे हैं, खा लो बेटा, खा लो खा लो। अरे खाओ ना बेटा। तमीज से। ठीक है ठीक है। अच्छा दीदी, बहुत टेस्टी है। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया है। अच्छे तो होंगे ही, पापा ने जो बनाया है। खाओ तुम लोग खाओ। ठीक है तुम लोग आराम से खाओ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। जब तुम ब्रोकरी का पैसा मांग रहे थे उस समय नहीं था, वाइफ की चेन गिरवी रखकर लाया हूँ, पूरा पैसा है, गिन लो। अरे सर हम लोग यहाँ पैसों के लिए नहीं आए है ना? हाँ सही बोला, हम लोग तो यहाँ घूमने के लिए आए थे। ये लो बेटा कॉफी ले लो। ले लो। बहुत संस्कारी परिवार है। दिनों से तू अपना मुंह बंद रखेगा। चेन गिरवी है छुड़ा लो, हमने साथ में खाया, आप तो रिश्तेदार हो गए ना, है ना भाई?
अरे कोई बात नहीं है भाई, प्लीज आप ये पैसे ले लो और भाई वो किडनैपिंग का प्लान कैंसिल कर दो प्लीज। किडनैप मतलब? मैं समझा नहीं, ये छोटू बहुत मजाक करता है। बहुत अच्छी कॉमेडी है, महीने भर के लिए हंस सकते हैं। तो ही हंस ले। आप लोग कोई टेंशन मत लो, पैसे हम लोग ले लेंगे, है ना यार? थैंक्स ब्रो। कहिए। दिखने में हम थोड़े से अजीब हैं, पर दिल के खराब नहीं है। अच्छा, तुम मेरे भाई जैसे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा जी। तो हम लोग चले? चलो फिर हम लोग निकलते हैं। सर वो कब? अच्छा सर, आपको ऑफिस या घर कुछ भी लेना हो मुझे फोन करना। फोन क्या, मैं खुद आ जाऊंगा। वो आपकी मर्जी है। ओके चलते हैं। हाँ, चलता हूँ। दीदी मैं ये ले लूँ क्या? ले लो बेटा, डब्बा कल वापस कर दूंगा। ठीक है ले लो। अच्छा लड़का। अच्छा दीदी, ठीक है। ए, जल्दी आ रहे। अच्छा हुआ उस लड़के को नहीं उठाया, अच्छी फैमिली है ना। तो फिर उनकी फैमिली को अवार्ड दे दे। दिन भर गिनता रह गया, फिर बोलेगा बैंक बंद हो गया। चल पापा। थैंक यू पापा। ठीक है, इन लोगों का प्लान क्या है? मुझे किडनैप करके आपसे पैसे मांगने का प्लान था उनका, और मैंने किडनैपिंग के पहले ही रोक दिया उन्हें पापा। बस हो गया ना अब? नहीं पापा, ऐसे ही एक लड़की को दूसरा ग्रुप किडनैप करने वाला है, ये भी मैंने सपने में देखा है। ऐसा है क्या? इसी तरह उसे भी तो रोक सकते हैं ना। उन लोगों ने लड़की को किडनैप क्यों किया था भूल गया मैं। यार अच्छे से पता है ना, यही अपार्टमेंट है ना? अरे हाँ यार यही है। सपने में भी हम ही दोनों आए थे। ऐसा है? उसने मुझे देखा, येलो चूड़ीदार सूट, टाइम भी करीब 9:20 का था। अभी तो 7:15 हो रहा है, अभी तो बहुत टाइम है। तो चल फिर कॉफी पी करके थोड़ी देर वेट करते हैं। कौन है भाई? अरे बाबा ये तो पाइप टूट गया, ये कैसे हो गया? दिव्या रेडी हो क्या? अरे सुनो, दिव्या उठ गई या अभी तक सो रही है? 10 मिनट पहले ही मैं रेडी हो गई थी पापा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, अचानक सुधर गई। मैंने एम सिलेक्ट कर लिया है, उसी को पूरा करने जा रही हूँ। तो साथ में चलते हैं, चलो। पापा आपने पिछले हफ्ते कहा था कि नया मोबाइल देंगे मुझे। पापा प्लीज, पापा प्लीज। ठीक है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल मत करना। ठीक है, प्रॉमिस। ए, हेयर स्टाइल मत खराब करना है। ओके, प्रॉमिस। आजा बैठ। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। जैसा मैंने देखा था यही उसका घर है। भाई आसपास सुलभ शौचालय है क्या? क्या यार, सुबह सुबह कहां से आ जाते हैं ये लोग? जा जाके रेल की पटरी ढूंढ ले। ए आदि, चल यार, बहुत उसका वेट कर लिया। चल यार, चल। भाई 7 बजे आए थे, 10 बज रहे हैं इस समय। क्या यार, कब तक खड़े रहेंगे यार? मेरा गम ओ सनम, मेरा गम बन गया, तेरे बिन मैं अकेला रह गया। तुझे ढूंढे नजर, तू कहां
है बता, तेरे बिन जीना मुश्किल हो गया। इसमें उसका कौन सा फ्लैट है कुछ पता है तुम्हें? यार वही तो नहीं पता है। अबे तो सपने में घर भी चला जाता। यार सपने में अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकते, जो दिखा मैंने बताया। तेरी चाहत में डूबा तू है मेरी महबूबा, जाने क्या दिल में टूटा तू ही जाने। याद है तेरी मुझको पल पल सताए, तेरी बातों में क्या जादू कोई ये बताए। तू घर जा, कल देखते हैं। जा। आदि जिसने अपने से फोन लिया था उसका फोन खराब हो गया है, मैं उसका नंबर देता हूँ, तुम जाके उसका फोन बना दो। बनाओगे ना? ठीक है पापा, जाता हूँ। संडे होता तो बिना बोले आ जाते। आप ही आदि हो क्या? हाँ। बैठिए ना, मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है, क्या हो जरा देखो। ये बहुत अच्छा है। फोन जब भी हैंग हो रिबूट कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। थैंक्स। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उसे सुन के डरना मत। हाँ? आपको कोई किडनैप करने वाला है। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ओके प्लीज मेरी बात मानिए। मानने जैसा होगा तो मान लेंगे, मोबाइल तो आपने ठीक कर दिया, आपको कुछ और बात करनी है? पूरी बात डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, दो मिनट के लिए जो बोल रहा हूँ वो सुन लो, मेरी बात पे भरोसा करो। वो जो उस टेबल पे बैठा है ना, वो अपने अपोजिट में बैठी हुई लड़की का मोबाइल चोरी करने वाला है। उधर वो जो बच्ची है ना, वो बच्ची ही उसको पकड़ेगी। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, मेरी बात मानिए। हाँ, सुन रही हूँ। वो देखने से चोर जैसा तो नहीं लग रहा है, और वो बच्ची उसे उड़ के पकड़ने वाली है क्या? मेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप खुद ही देख लीजिए। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, हे मेरा मोबाइल, चोर पकड़ो उसे, मेरा मोबाइल लेके भाग रहा है। ये सब क्या आपका ही प्लान है? अगर अब भी तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा है ना, तो दो मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलो। अब देखना, एक रेड कलर की कार आके रुकेगी। किधर, कहाँ है वो? ए वहाँ देख कार। हाँ कार तो आ रही है। हाँ? उसमें से दो लोग उतरेंगे। वो आके तुम्हारी स्कूटी की हवा निकाल देंगे। हाँ, वो स्कूटी मेरी है। मैंने कहा था ना, जब आप गाड़ी को ढकेल के लेके जाओगी तो वो आपको लेके जाएंगे। मुझे क्यों लेकर जाएंगे? मुझे नहीं पता, आप अपने पापा से पूछिए, क्या पता उनकी कोई बिजनेस प्रॉब्लम हो, वो उसे सॉल्व कर दे, इससे तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैसेज करो उन्हें। और मेरी स्कूटी? मेरा फ्रेंड तुम्हारे घर पहुंचा देगा।
थैंक्स, बाय। ओके बाय। हेलो। हाय। हाँ बोलो दिव्या। मेरे घर पे आ सकते हो क्या? कब? अभी। मैं अभी आता हूँ। कौन सा फ्लोर? क्या हुआ? तू कहाँ जा रहा है? तू निकल यहाँ से। तेरे साथ चल रहा हूँ यार। पहले मैं जाके पहचान बनाना चाहता हूँ, उसके बाद तुझे लेके चलूंगा। संभल के जाना। हाँ साथ चलने के लिए मैं, लड़की से मिलने के लिए तू अकेला। अच्छा है। हाय। हाय। आओ अंदर। स्कूटी की चाबी। थैंक्स। अंकल आप बात करने वाले थे पर मार क्यों रहे हैं? कौन है तू? सच सच बता, कितने लोग हैं तेरे साथ? बोल। माँ। बोल कितने लोग हैं? ये सब क्या है? तू अंदर चल। मार क्यों रहे हैं? बात कर रहे हैं ना? बाहर भी निकले। तुम अपने आप को समझते क्या हो? मारेंगे नहीं तो क्या उसकी पूजा करेंगे? ऐसी बात नहीं है मम्मी। तुम अब कुछ मत बोलो। सब तो भूल ही गया हूँ। अपने सपने के बारे में इन्हें कुछ बताऊंगा तो ये मानेंगे ही नहीं। अब क्या करूँ? कार पार्किंग के पास तीन लोग किडनैपिंग की बातें कर रहे थे सर, तभी मैंने ये सब सुन लिया सर। ये डिटेल्स भी मुझे उन्हीं से पता चली। और उनके नाम? उनका नाम क्या? क्या नाम है उनका? वही बताने वाला था लेकिन आपने अचानक से पूछ लिया तो मैं भूल गया। अगर मैं उन्हें कहीं देख लूंगा तो पहचान जाऊंगा सर, पर सच में मैं उनमें से नहीं हूं सर। सर कॉलेज से पता चला ये अच्छा लड़का है सर, घर का एड्रेस भी सही है, पेरेंट्स भी घर पर ही रहते हैं, पूछताछ किया मैंने, शरीफ फैमिली है। ये लड़का फ्रॉड नहीं लगता, डर के मारे सब भूल गया है, परेशान मत होइए। अभी तो छोड़ रहा हूँ। ओके लेकिन सर। उसका नाम याद आ जाए या उसे देखो तो तुरंत मुझे बताना। ठीक है सर। अब जाओ यहाँ से। क्या यार अपने से लड़की नहीं पटेगी क्या? पहचान बनाने गया तो फटके खा करके वापस आ गया। देख वो पुलिस वाला है इसलिए मैं उसे छोड़ रहा हूँ, वरना मुझे भी गुस्सा बहुत आता है। उसने जैसे ही मारा मैं सब भूल गया यार। अब तू टेंशन मत ले यार, घर पे जा, आराम से बैठ कर सोच, सब याद आ जाएगा, उसे पकड़ लेंगे अपन। बोलो दिव्या। मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। देखो ना ये मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है। हाय। हाय। सॉरी आदि, कुछ पूछने के लिए बुलाया था, पता होता वो मारेंगे तो कभी नहीं बुलाती। दर्द हो रहा है? अब नहीं है। एक्चुअली मैं फोन करके आने वाली थी पर मैं ऐसे ही आ गई, तुम गुस्सा मत होना मुझ पर। मैं अब चलूं आदि? ठीक है जाओ। बोलो पापा। अरे तुम गाड़ी लेकर चले गए, मैं कैसे बाहर जाऊंगा? मैं आ रहा हूँ ना पापा। एक काम करो, पार्टी के ऑफिस जाओ, पैसा देंगे लेकर आ जाना। ओके पापा। जल्दी जाओ। भाई। हाँ आ जाओ छोटे, तुम्हारे पापा फोन किए थे, थोड़ी देर यहीं पर बैठो, पैसा लेकर जाना, बैठ के इंतजार करो। ओके भाई मैं वेट करता हूँ। हेलो। हाँ क्या हुआ? तू इमीडिएट मोबाइल शॉप पे आएगा क्या? क्यों क्या हुआ? एक छोटा सा काम है, 200 का स्क्रैच कार्ड डलवाना है। अच्छा तू उधर ही रुक, मैं आता हूँ। आई एम वेटिंग। इसका डिस्प्ले चला गया है, ठीक हो जाएगा क्या? पता ही है सर,
इसका डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, करवा दूं क्या? हाँ कर दीजिए, आधा घंटा लगेगा, वेट कर सकते हैं? हाँ चलेगा। ठीक है बैठिए। आदि। हाँ भाई। लगता है पैसा आने में टाइम लगेगा, मैं खुद जाके लेके आता हूँ। अगर कोई फोन करता है तो काम क्या है पूछ लेना, मैं पैसे के लिए इंतजार कर रहा हूँ ये मत बोलना। ठीक है मैं बस जाकर आता हूँ, तुम यही इंतजार करो, मैं तुरंत आया। हाँ हाँ देखते देखते वही प्ले करना। अरे हेलो किधर है यार? यार मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है मैं निकलता हूँ यहाँ से। ठीक है भाई कल देख लेंगे। हाँ लीजिए सर तैयार हो गया, चेक कर लीजिए। अरे पीटर लड़की उठाना कंफर्म है तो खर्चा होगा, पैसा है क्या? पैसे की टेंशन नहीं है, फोन करके मंगा लूंगा। हेलो। हेलो। हाँ बोलो कौन बोल रहा है? ओए तू कौन है बे? अरे तुमने कॉल किया है तो तुम ही बताओ ना कौन हो। मैंने बोला फोन उठाने के लिए। यार कॉल तो तुमने किया ना। ए तू जानता नहीं मुझे, कौन है तू बता। तुमने पहले कॉल किया है तो तुम ही बताओ। ए उधर ही रुक आता हूँ मैं। अरे आना, दिमाग खा रहा था खुद ही कॉल किया और मुझसे पूछ रहा है कि कौन है तू। तूने फोन उठाया था ना? हाँ। बहुत बड़ा गुंडा है क्या? जरा हमें भी दिखा। पीटर से तू फोन पे ऐसे बात करेगा क्या? है? ए ज़्यादा बोल मत। पीटर पीटर क्यों फालतू में झगड़ा कर रहे हो? आखिर फोन पर पूछा कौन है तो उल्टी सीधी बात की मुझसे। भाई आपने ही तो बोला था किसी को कुछ मत बोलो। अच्छा समझा दो भाई। पीटर मैंने ही ऐसे बोलने के लिए उसको बोला था। भाई आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ए पीटर कौन है पता है? डैनी का भाई है, अभी के अभी तुमको यही डाल दूंगा। ए छोड़ना यार, भाई के सामने ऐसा करेंगे क्या? जाने देना भाई।, भाई चलो ठीक है सब देख लेंगे। ये लो छोटे पहले पैसा लेकर जाओ, पापा को दे देना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। एरिया में छोड़ो ना यार, कितनी बार तुम लोगों को समझाऊं, जाने दो उसे। एक बार और बोल। उसका नाम पीटर है सर और उसके भाई का नाम डैनी है सर। एक बार और बोल। उसका नाम पीटर है सर और उसके भाई का नाम डैनी। पीटर ने मुझे प्रपोज किया था, मैंने मना कर दिया। एक बार प्रपोज किया था सर, उसने मना कर दिया था, अब ऐसा दोबारा नहीं करूंगा सर। भैया को मत बताइएगा सर, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं सर, प्लीज सर। सर अपने पहचान वाला ही है, दोबारा ये ऐसा नहीं करेगा, मैं इसे संभाल लूंगा। दोबारा ये गलती मत करना, समझा? ओके सर। किसने बताया ये सब? वो सब तू क्यों पूछ रहा है? तुम लोगों की कुंडली कोई बता रहा है? सुधर जाओ नहीं तो अंदर हो जाओगे। पहले उसी को उठाएंगे। हाय हाय आदि, एक गुड न्यूज है और तुम्हें थैंक्स। वो क्यों? इंस्पेक्टर ने पापा को कॉल किया था, पीटर को अंदर कर देंगे ऐसी धमकी भी दी उन्होंने। ऐसा क्या? डर गया है वो, उसकी अकल ठिकाने आ गई होगी, अब ऐसा नहीं करेगा। अच्छा हुआ तुम नहीं आते तो शायद कुछ और बुरा होता, पर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। वक्त आने पे मैं बता दूंगा, पर जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हाँ हाँ जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ, उसके बाद से ही तो इतना अच्छा हुआ। हम सब साथ में फिल्म देखने चलें क्या? अरे नहीं नहीं मेरे घर वाले ढूंढेंगे। अरे दो तीन घंटे की तो बात है, मैंने मना किया ना, तुम चलो। बाय। कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही है, लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते। कल जाएंगे फिल्म देखने, बोला था ना अच्छी है ना। अच्छा भाई आज का दिन ना मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन है। अरे यार तेरे सपने की वजह से मेरा भी लव सेट हो गया है, इसके लिए बहुत थैंक्स यार, तू ऐसे ही सपने देखा कर, मेरी भी चांदी रहेगी। ओके आदि बाय। बाय। ये क्या है पापा? अरे आदि ऑफिस में जो गिफ्ट मिला था ये वही है। ऐसा क्या? ओपन करो जरा।
अच्छा है ना, किधर रखूं इसे? अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये जगह एकदम परफेक्ट है। ए, किधर जा रहे हो? आदि तुमसे पूछ रहा हूँ, पूछो जरा कहाँ जा रहा है। अरे आदि बता के जाओ बेटा। हथियार ही आया ना, बाकी कुछ तो नहीं हुआ ना? गलत तो अब होने वाला है यार। हम ये सोच रहे थे कि हमने सब रोक दिया है, पर दूसरे रास्ते से सब कुछ वही चल रहा है। सपने में मैंने दिव्या को एक मोबाइल लेके दिया था, और सच में भी दिव्या वही मोबाइल यूज करती है, पर मैंने वो उसे नहीं दिया है। दिव्या को हम लोगों ने कितना ढूंढा पर वो नहीं मिली, लेकिन एक सिचुएशन ने आखिरकार मुझे दिव्या से मिला ही दिया। पीटर को भी हमने कितना ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। आखिरकार फोन पे झगड़े की वजह से वो मुझसे मिल ही गया ना। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, और जिस तलवार को मैंने सपने में देखा था, उस तलवार ने भी मेरे घर का पता ढूंढ ही लिया। डैनी भी आएगा, सबको मार देगा। पापा, मम्मी, सब लोग मरने वाले हैं, इसलिए वो हथियार भी मेरे घर तक पहुंच गया है। अगर हम लोग घर में छुप के रहेंगे तो भी जो होना है वो हो के ही रहेगा, वो चाहे कैसे भी हो। यार डैनी किसी को नहीं मारे, यही ना? हाँ। तो फिर पीटर भी नहीं मरना चाहिए। पीटर नहीं मरना चाहिए मतलब राजा बनी उसको गोली ना मारे। ये राजा बनी इधर क्यों आएगा? उसने चोरी किया हुआ हार छिपा के रखा है, राजा उसे ही निकलवाने आ रहा है। यार राजा बनी आएगा तो ही पीटर को गोली मारेगा ना, अगर वो आया ही नहीं तो जरा सोच क्या होगा। राजा मनी गोली नहीं मारेगा तो फिर पीटर भी नहीं मरेगा, डैनी भी किसी की जान नहीं लेगा, सब लोग सेफ। पर कैसे? ये आइडिया उसी के स्टाइल में बाद में बताता हूँ, उसके पहले हम लोगों को राजा मनी का नंबर ढूंढना होगा। ओल्ड फैक्ट्री से कल रात में हार निकालना है। हा? वो फैक्ट्री कहाँ भाई? पहुँचने के बाद बताऊंगा, अब चुपचाप चल। हाय। हाय। उसका नंबर मिल गया है बहुत मुश्किल से, जेल वार्डन को पैसे देके, नोट कर लो। 98402। अब कौन है? कौन है भाई? क्या मालूम, बात करो ना भाई। हेलो, राजा मनी बोल रहा हूँ। हाँ, तेरा हार मेरे पास है। कौन सा हार? रॉन्ग नंबर। हेलो हेलो, नंबर सही है, तू राजा मनी है ना? 6 तारीख को जेल से रिलीज हुआ है। उस हार को मैंने ओल्ड फैक्ट्री में छुपा के रखा है। उस हार को तूने MM ज्वेलर से चोरी किया था ना, अब वो हार मेरे पास है। ए, तू जो बोल रहा है वो सच हुआ ना? तो तू बचेगा नहीं, पता है किससे बात कर रहा है तू? अरे तुझे तेरा हार नहीं चाहिए क्या? तू ओल्ड फैक्ट्री में नहीं आएगा, मैं जो जगह बताऊंगा तू वहाँ पे आएगा, तेरे हार को कुछ भी नहीं होगा। क्यों, मुझे पुलिस से पकड़वाना चाहता है? पागल हो गया क्या तू? अगर ऐसा होता तो वो तेरा फोन ट्रेस करके तुझे कब का उठा चुके होते। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर तू मुझे हार क्यों देगा? उन सबके पीछे एक रीजन है, मैं 4 जाने बचाना चाहता हूँ। गलती से तूने कुछ किया ना तो देख लेना, डैनी को ये बात पता चल गई ना तो तेरी फैमिली में से कोई जिंदा नहीं बचेगा, ये बात समझ ले। तेरी फोटो और मुझे कहाँ आना है ये सब मेरे व्हाट्सएप पे भेज दे। यार तूने जैसा कहा मैंने किया, लेकिन वो हार कहाँ है हमें नहीं पता, झूठ बोल के तो हमने उसे बुला लिया, जब वो हार मांगेगा तो हम उसे कहाँ से देंगे? अरे यार उसके आने के बाद बताता हूँ मैं। क्या भाई, हार को किसी और ने चुरा लिया? भाई यहाँ तो कोई नहीं है, मुझे लगता पुलिस आसपास होगी। अच्छी तरह से देखना, कोई गलती ना हो। ओके भाई। भाई वो आ गया भाई, उसके साथ एक लड़की भी है और एक लड़का उसके साथ में है। आप आ जाओ भाई। अभी आता हूँ। हे, आगे का प्लान क्या है ये तो बता।
वही है ना? हाँ भाई। यार राजा मनी आ रहा है, वो आकर इधर ही रुकेगा, तुझे देखेगा और तू उसको देखेगा, फिर वो पूछेगा हार किधर है। बिना झिझके उसके दोनों पैर छू लेना और बोलना कि भाई मेरे पास हार नहीं है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं बोलना, एक्टिंग करनी है। भाई मेरे पास हार नहीं है, सच कह रहा हूँ भाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आपको झूठ बोलकर बुलाया था, मेरे मम्मी पापा की जान आप ही बचा सकते हैं, ऐसा बोल के रो लेना। जब तक वो माफ नहीं करेगा उसके पैर मत छोड़ना। ये है तेरा आइडिया? यार कितना भी बड़ा डॉन होगा, उसके पैर पकड़ लेगा ना तो डरपोक समझ के छोड़ देगा। ऐसा हो सकता है क्या? अरे पक्का होगा यार। सुन राजा मनी आ रहा है, तैयार हो जा, पैर पकड़ लेना उसके। ये तो डैनी का भाई पीटर है। हाँ भाई। डैनी ने फिर अपनी औकात दिखा दी, अपने भाई को भेजकर हार लूटना चाहता है। डैनी तेरा भाई तेरी जान है ना, पहले उसी को टपकाता हूँ। रमेश भाई हमारी हेल्प करो। रमेश भाई क्या हुआ भाई? अच्छा चल 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 चल। अबे क्या कर रहा है, और तेज चला ना। अरे चला तो रहा हूँ, और कितनी देर चलाऊँ। क्या हो गया भाई, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? तू अपना मुंह बंद रखना। भाई आप जब देखो तब मुझे मारते ही रहते हो। लेकिन हार तो कोई और लेके गया। कोई है घर में? गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग, क्या बात है? वो भाई पीटर है ना, वो अपने दोस्त के लड़के आदित्य और लड़की को किडनैप करके कार में ले गया। मुझे छोड़, क्या ले जाके गटर में फेंक दे इसे। ठीक है भाई। तू इधर आ। यही बताने के लिए आया था भाई। इधर आना। मारने वाले तो नहीं है कहीं? तेरा नाम क्या है? नाम तो आदित्य है पर हम तो आदित्य। अरे बाप रे भाई, बात करने के बजाय मार क्यों रहे हो? भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो किया आपके भाई ने किया, मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ भाई। किया था उसे पकड़ेगा, उसे ऐसे ही छोड़ देगा। अरे शर्ट लेकर आ। अरे बाप रे कितना हमारा गाल जल रहा है, सारे निकम्मे हैं। अरे बाप रे ये बहुत मारा। गाड़ी निकाल। यार मेरा टाइम ठीक नहीं चल रहा है। क्या कहा तूने? तू उसका फ्रेंड है ना? फ्रेंड है तू? चल चल अभी देखता हूँ तुझे, चल। आइए बैठ, चल बैठ गाड़ी में। आइए भाई आइए। छोटे की बुराई करने चले आ। बैठ रहा बैठ रहा। अरे बाप रे इस टाइम पे कौन फोन कर रहा है? स्पीकर पे रख। भाई गांव देवी मंदिर की गली ओल्ड फैक्ट्री, जल्दी से आ जाओ, उसके भाई को भी साथ लेकर आना। चलो चलते हैं। दिव्या आदि उधर एक खिड़की है ना? हाँ है। देखो वहाँ पे चाकू होगी। हाँ पर तुम्हें कैसे पता है? अब यहाँ से कैसे निकलेंगे? अभी एक बिल्ली आएगी, उसके आते ही हम निकल जाएंगे। बिल्ली आएगी? क्या बोल रहे हो तुम? हाँ दिव्या मेरी बात मानो प्लीज। अरे यार वहाँ चलेंगे तो बहुत मजा आएगा। बस ऐसे ही है क्या हो? अरे ये आवाज कैसी? कौन है? क्या हो रहा है? आओ दिव्या इधर से। आदि, गॉड
किधर जा रही? रुक जा। नहीं पीटर, उसे छोड़ दे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दे। नहीं तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ए, मैं इसके लिए 1.5 साल अंदर रहा हूँ। मैंने भी बहुत इंतजार किया है, बहुत प्लान किया मैंने। मेरी जान है वो। ए, वो मेरी भी जान है। ए, मैं तो अभी जवान हूँ, तू इस उम्र में ये सब क्या करेगा? भाई इसमें उम्र की क्या बात है, वो मुझे चाहिए बस। भाई इससे बात करके कोई फायदा नहीं है, मार दूं क्या? कहो तो 50-50 कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ए, ऐसा मत बोल, पूरा का पूरा सिर्फ मेरे लिए। क्या कहा, तुम्हें पूरा चाहिए क्या? सुन ले पीटर, जिद छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा। भाई मार दूं क्या? ए, तो मैंने हाथ में क्या चम्मच पकड़ी हुई है? मैं शूट नहीं कर सकता। ए राजा, अगर मेरे भाई की बात नहीं मानी तो सब मरोगे। नहीं डैनी, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली चला दूंगा। सब निकलो यहाँ से, मैं कहता हूँ जाओ, जाओ यहाँ से। नहीं डैनी, बात सुनो। मार दूं क्या? नहीं दिव्या, मेरी बात सुनो दिव्या। छोटे छोटे, तू ठीक तो है ना? बोल ना, तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? आदि आदि, क्या हुआ आदि? आदि नहीं दिव्या, मेरी बात सुनो दिव्या। हे आदि, कुछ बोलो कुछ ना। कुछ नहीं हुआ इसे, ये नहीं मरेगा। उठाओ इसे, उठाओ, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलते। उठाओ आदि, तुझे कुछ नहीं होगा। जल्दी ले चलो, चलो ले चलो। डॉक्टर, वो मुझे जिंदा चाहिए, सुन लिया? डर मत, किसी भी तरह से उसकी जान बचा ले। जा जा जा, जा। पेरेंट्स कौन है यहाँ पे? हम हैं। मरीज सीरियस है, आप इन्हें जीएच लेके जाइए। क्या बोला तूने? उनकी जान को खतरा नहीं है, एक हफ्ते में स्पेशलिस्ट को बुला के गोली निकाल देंगे। डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग जाकर मिल लीजिए। बेटा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। सॉरी बोली से। सॉरी ब्रो, सॉरी दिव्या। सॉरी सिस्टर, हमसे गलती हो गई। जल्दी से ठीक हो जाओ, हमें बहुत फिक्र है तुम्हारी। ए, ये बता हार कहाँ है? ये बात नहीं कर सकता भाई, बात नहीं कर सकते। लिख सकता है क्या? लिख के देगा? अच्छा लिख के बता दे। भाई पेन नहीं चल रहा है। बेवकूफ, हार हमारे पास नहीं है, जहां था वहीं पे है। अरे वाह, कोई बात नहीं, चलेगा सेठ। ए रहने दे, हम लोग सुधर गए हैं सेठ। सुधर गए, ठीक है। ये डिजाइन आप पे बहुत अच्छा लगेगा। एक हार दिखा करके पूरी दुकान लूटने का इरादा बनाया है, क्या एक्टिंग कर रहा है यार। चुप नहीं रह सकता। लगे रहे, लगे रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान के बहुत सारे चेहरे हैं, वो एक शक्ति है, वो एक रोशनी है, वो अच्छाई भी है, जो लोगों को बचाने के लिए खुद की जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, वही भगवान का गुण है। वैसा गुण आ गया तो शरीर को आत्मा कैसे भी करके बचा लेती है, वही भगवान का गुण है, वही हम सबको सीखना है। तेरे लिए मैं वेट कर रहा था। सॉरी सर।
पीटर ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने सॉरी जिसने मुझे जाना जिसने है पहचाना खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे ठीक है तुझे मैं आता हूं जाना जिसने है पहचाना खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे एक ही मैडम ही पीस दुनिया में हूं जुदा जो भी टकराया वो गया 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 एक ही मैडम ही पीस दुनिया में हूं जुदा जो भी टकराया वो गया 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 सबको साथ में भेजता हूं बैठो दिव्या रहने दीजिए आओ बैठो सुनो मेरी बात जरा दिल में है तू कान भरा पंगा जो लिया यहाँ वो तो बेहद गोली मार दूंगा लड़ना झगड़ना क्या आपस में प्रेम बढ़ा सुनो मेरी बात जरा हे प्यार जरा कर ले दो दिन की जिंदगानी इश्क जरा कर ले दिल दीवाना कहे प्यार जरा कर ले दो दिन की जिंदगानी इश्क जरा कर ले तेरा तेरा हो गया जाना अरे पास मेरे आरे तुमसे ना दूर तू ना जाने अरे पास मेरे आरे मिल से उठा मेडिकल वो इंस्पेक्टर क्या तेरा हो गया जाना अरे पास मेरे आरे ऐसे दूर तू ना जा रे अरे पास मेरे आरे आरे पास मेरे आरे ऐसे दूर तू ना जा रे आरे पास मेरे आरे तेरा तेरा हो गया जाना अरे पास मेरे आरे गाड़ी बंद हो गई अरे ये क्या जिसने मुझे जाना जिसने है पहचाना खाया मेरा मैं तो जाना चलूंगा क्या कर रहा है जिसने मुझे जाना जिसने है पहचाना खाया मेरा पंच फिर उठ नहीं पाया रे एक ही मैं डमी पीस दुनिया में हूँ जुदा जो भी टकराया वो गया 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 एक ही मैं डमी पीस दुनिया में हूँ जुदा जो भी टकराया वो गया 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 ए, ए, ए मणि कहाँ रखा है बोल बे नहीं, नहीं, बोल मुख खोल बोल ए, ये बहुत खतरनाक आदमी है वो मैं गोली मार देगा बोल बे बोल नहीं, बोल ना मुझे नहीं पता बोल तेरी आदत हम जानते हैं बोल ना बता मुझे दे मुझे कुछ नहीं पता मारूंगा तो तेरा मुंह सूख जाएगा अगर मुझे कुछ नहीं पता तेरी मौत पक्की है बोल दे मुझे कुछ नहीं पता बोल ना मेरे पास काम करके मेरा ही सामान चुरा के मेरे भाई को मारा तुम लोगों ने क्या रे बहुत चाहिए तुम्हें बताएगा कि नहीं माल कहाँ है बोल जल्दी वरना अभी ठोक दूंगा सिर्फ तुझे ही नहीं तेरे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा मैं जल्दी बता कहाँ है बताता हूँ एड्रेस एड्रेस बोल नंबर 14 आयवाड़ा वासुमती का सर मैं उस आदमी को जानता हूँ देख लूँगा जाओ लेकर आओ उसे आजा
में जाएगा तो तुझे 3,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। यहाँ पर अपने बड़े भाई बैठे हुए हैं, उन्हें जाके 1,000 रुपए दे दे। चल उतर जाइए। पिताजी क्या हुआ बेटा? अरे पुलिस वाले मुझे रोक लिया, बात करो ना इनसे। उसे जरा फोन दो। सुनिए पिताजी बात करेंगे आपसे। भाई बोलिए भाई, मेरे बेटे ने कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? मुझे पता नहीं है भाई, अभी मुझे छोटे भाई ने बताया। ठीक है उसे छोड़ दो। बात करो, चलो जल्दी जल्दी। अरे अभी बात की ना पिताजी से, बकवास बंद कर बैठ जा। मुझे डर लग रहा है, घर पर पता चला तो प्रॉब्लम होगी। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, टेंशन मत ले। ए फुक मारो, ठीक से फुक मारो, जाओ निकलो निकलो, चलो जाओ जाओ। क्या हुआ, मेरे बेटे को छोड़ा कि नहीं? तुम्हारे बेटे की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। क्या कहा? ए कौन हो तुम? पीने को पानी, पहनने को ड्रेस, आने जाने के लिए गाड़ी, साथ में एक लड़की, इन सब चीजों के लिए खर्चा कर सकते हो। रास्ते में पुलिस वाला पकड़े तो उन्हें पैसा नहीं दे सकते। कौन जानते हो तुम? मैं क्या कर सकता हूँ पता है? हवलदार। हाँ सर। प्रेस को फोन कर और फोटोग्राफर को साथ आने के लिए बोल, और उन दोनों को गाड़ी के सामने खड़ा करके उनकी फोटो निकाल और अखबार में हेडलाइन में दे दे। ठीक है। रुक जाओ रुक जाओ। ए, क्या चाहिए? पैसे चाहिए ना? मैं देता हूँ पैसे। ये लो। क्या कह रहा है? थोड़ी सी सुपर बाय। कहाँ? जॉगिंग। दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा ना? बेल तो बजा सकते हो ना? अबे आधा घंटा हो गया बेल बजाते बजाते। अरे बाथरूम में था यार। मुझे तो गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। गाने की आवाज बाहर तक सुनाई दे रही थी, मैं ही गा रहा था। ढोलक की भी आवाज आ रही थी। खाली बैठा था ना इसलिए मैं बजा भी रहा था। ए बस बहुत हो गया, तो कैसे आया इस घर के अंदर? मैं तुझे कैसे लेके आया? ये सारी बातें मुझे अच्छे से पता है। हेलो भाई, ये एड्रेस चेन्नई। ए, इसे कोई एड्रेस कहता है क्या? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, जिसे भी दिखाता हूँ वो मुझे घूर घूर के चला जाता है।
तुम्हें कैसे पता? वो क्या है, किसी को सही एड्रेस पर पहुंचा देना, ये मदुरई वाले ही कर सकते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ पर घूमने के लिए या किसी और काम के लिए आया? क्या हुआ, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? चेन्नई जो भी आता है किसी न किसी वजह से आता है, अब तेरी क्या वजह है? मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उसका नाम कुबेरन है, उसे दुबई जाने के लिए मैंने पैसे अरेंज करके दिए थे। तू विटनेस रहा होगा, उधार देने वाला पीछा कर रहा होगा, यही बात है ना? वो नहीं भाई, घर के सारे पेपर्स गिरवी रखकर उसे मैंने पैसे अरेंज करके दिए थे और ये पापा को पता चल गया। अरे बाप रे। देख भाई, उसके के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, मदुरई वाले जो हो ना, कुछ भी कर सकते हो, इससे भी ज्यादा कर सकते हो। अगली बार जब कभी भी मौका मिले तो मुझसे जरूर मिल के जाना, ठीक है? ठीक है भाई। भाई आपका घर इधर ही है, अड़ियार फोर्थ एवेन्यू नंबर 10। क्या बात है सर, आपसे मिलने आपका भाई आया। मेरा भाई आया? हाँ सर। भाई, मैं हूँ भाई, आप जाइए, मैं बात करता हूँ। अंदर चल के बात करें भाई। क्या बे, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तू तो शाम को ही पहुंच गया। प्रॉब्लम क्या है? एमजीआर के आश्रम में मुझे बंद कर दिया था भाई। ए, वहाँ पर तो कोई गेट ही नहीं है। भाई, तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? अपने गुरु की जगह देखे बिना कोई जा सकता है? इसलिए आज रात यहीं पर रुककर जगह देख के कल गांव चला जाऊंगा। पीगा क्या? नहीं, रहने दो, डालकर पी ले। तभी से तू यहाँ पर है और अभी तक नहीं गया। एमजीआर की समाधि देखना है बोला था, अन्ना की समाधि देखना है बोला था, विधानसभा देखना है बोला था, है ना? अभी बुलेट ट्रेन देखकर जाऊंगा बोल रहा है। 6 महीने हो गए, ऐसा लग नहीं रहा कि तू अच्छा इंसान है, लेकिन कुछ खराबी भी नहीं है। जा जाकर दूसरा कुछ काम कर, समझा? अब जाना। ठीक है भाई। हाँ भजनलाल, मैं चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ। बोलिए ना भैया। मेरे काम का क्या हुआ? हो जाएगा भाई, बस थोड़ा सा वेट करो। थोड़ा वेट करो, मेरा शिप चेन्नई आ रहा है, कैप्टन को दे देना, चला जाएगा। ठीक है भैया, आप बेफिक्र रहिए। सुनो भजनलाल, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए, और इस काम को भी थोड़ा संभाल कर करना, ठीक है? बिल्कुल भैया। ओके। हाँ भाई, बैग हिफाजत से है ना? हाँ भाई, हिफाजत से, उसे संभाल कर रखो। 4 दिन के बाद शिप आएगा, बैग को शिप में भेजना, ध्यान से। ठीक है भाई, मैं देख लेता हूँ। क्यों, बता कैसा लग रहा हूँ मैं? हाँ, लग रहा हूँ हीरो के माफिक। बहुत सुपर लग रहे हो, जच रहा है अब। मैं ऑफिस जाकर आता हूँ। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, फोन उठाने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो बाथरूम में। फिर से बाथरूम में? अरे बाथरूम में ऐसा क्या है जो बार बार जा रहा है वहाँ पे? मैं नाश्ता ले जाना भूल गया हूँ, तो एक काम कर, अच्छे कपड़े पहन के ऑफिस में आ जा नाश्ता लेके। भाई ज्यादा जल्दी है तो कॉल टैक्सी में आ जाऊँ क्या? भाई को चेन्नई का ट्रेन पसंद है। पैसे नहीं है क्या? मेरी शर्ट की जेब में चिल्लर पड़े हैं, वही पैसे लेके बस पकड़ के आ जा। ठीक है भाई। उसे ढूंढते हुए आई थी और
पर्स ढूंढते ढूंढते मेरा सर आपसे टकरा गया, सॉरी। अरे क्या अभी, अगर पर्स या पैकेट गुम हो जाता है तो बस में या गाड़ी में ढूंढते हैं, और आप 100 रुपए रास्ते पर ढूंढ रही है, कहीं रास्ते के कोने में या साइड में गिर गए होंगे। आप जाओ, टेंशन मत लो। बिना पेट्रोल के इसी रोड पर आगे खड़ी है, मेरे पास पैसे भी नहीं है तो अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सौ रुपए का डाल दो। क्यों 100 रुपए का, 50 रुपए बहुत हो जाएंगे। कोई बात नहीं। महेश्वरी, शॉर्ट नेम मघी। माँ बाप ने रखा हुआ नाम शॉर्ट करना आजकल का फैशन हो चुका है। मेरा नाम है मुरु। हाँ? मुरुगन, गांव मदुरई, कन्या राशि मोरपंख गोत्र, अष्ट नक्षत्र। अच्छा, पर ये सब मुझे क्या बता रहे हो? बस ऐसे, ये लो। थैंक यू सो मच सर, आपका एड्रेस दे दीजिए, मैं आपके पैसे वहीं आकर पहुंचा दूंगी। मैं तो एक दिन में 1000-2000 खर्च कर डालता हूँ, ये सब तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, मैं चलूँ। थैंक यू सो मच। सर, आप ऑफिस तक चलकर जा रहे हैं? चलकर जाना कोई गुनाह नहीं है, आलसी बनकर बैठे रहना ये गलत है। ऐसी बात नहीं है सर, एक दिन में 1000 रुपए खर्च करते हैं ना आप, तो कम से कम एक टू व्हीलर तो। अरे मुझे ट्रैफिक से एलर्जी है, इसलिए टू व्हीलर भी नहीं ली मैंने। तो फिर कार क्यों नहीं ले लेते? बुक की है और 2 दिन में आ जाएगी। तो आइए ना सर, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए। कहाँ जाना है सर? TCS जाना है। ओके। लड़कियों को आंखों से दिखता ही कहाँ है, पावर ग्लास बैग में रखकर एकदम स्टाइल में कूलिंग ग्लास आंखों पर लगाकर बिना सोचे गाड़ी चलाती हैं। गए काम से। वैसे भी लड़कियां 2 पैर नीचे रखकर ब्रेक को भी पकड़ती हैं और एक्सीलेटर भी घुमाती हैं। आप कितने सालों से गाड़ी चला रही हैं? 6 साल से गाड़ी चला रही हूं सर। इसलिए इतना अच्छे से चला रही हैं। अच्छा, माथे पर बिंदी, कान में फैशनेबल बाली, हाथ में नए डिजाइन की चूड़ी और नाखून पर नेल पॉलिश, सब कुछ एकदम मैच मैच होना चाहिए। बस दिखावा करना है, लेकिन गाड़ी में पेट्रोल की नहीं पता नहीं। गाड़ी क्यों रोकती? आपका ऑफिस आ गया इसीलिए। आ गया क्या? अब ठीक है, थैंक्स। बाँ, तेरी वजह से सुबह से भूखा मर रहा हूँ मैं, चक्कर आने लगा है मुझे। ये तो कुबेर जैसा है। अरे ये तो वही है, लेकिन ये वहाँ क्या कर रहा है? सिस्टर, एक आदमी चक्कर खाकर गिर गया था, उसे यहाँ एडमिट किया था, कहाँ है वो? आप उनके कौन लगते हैं? मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ, हम एक ही गांव के हैं। उसके बदन में चर्बी भरी है, इसलिए उसका बचना मुश्किल है। अरे बाप रे, मैं अंदर जाके देख सकता हूँ? हाँ, जा रहे हो तो जाते वक्त मटन बिरयानी भी लेकर जाओ, जाओ। चर्बी वाले इंसान को मटन बिरयानी? अरे वाह, अंडा। क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल है। इस कमीने को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, गांव में सबको लगता है कि ये दुबई में है और यहाँ पर बैठे बैठे खाना ठूस रहा है। दुबई? दुबई जाकर क्या करेगा ये? ज्यादा से ज्यादा बाथरूम साफ करेगा। मैं क्या करूं भाई, तुम्हारे पैसे मैंने यहाँ कर दे दिए थे, वो फ्रॉड निकलेंगे मुझे क्या पता, अब क्या होगा, पूरे पैसे गए। ये सब तो फ्लैशबैक है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
पैसा गया तो गया, हम बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन तू तो गाँव आ सकता है ना। अब मुझे गाँव में जाकर क्या करना होगा? अभी तो क्या करने वाला है? रुक यार, सिस्टर दो ब्रेड और अंडा मिलेगा तो हम लोग खाते खाते बात करेंगे। ये नहीं सुधर सकता। अबे क्या है ये? ये अलग सिस्टम से पिकअप कर रहे हैं भाई। यहीं पे सेटल होने का इरादा कर लिया है क्या? खाने के वादे चल रहे हैं, ऊपर से रोमांस अलग से। सर, सिस्टर ने देने के लिए बोला है। ठीक है ठीक है, कटलेट कहाँ है? कटलेट नीचे है। नीचे है? कहाँ है बे? वो मेरा इंट्रोडक्शन दे रहा है रे। इसे कहाँ से पकड़ा तूने? बताता हूँ, पहले मुझे अंडा खाने दो। पैसे वालों के कुत्ते गुम हो जाते हैं तो उसे ढूंढ कर देने वालों को इनाम मिलता है, ऐसा एक कमीने ने कहा था मुझसे, इसीलिए मैंने इसे चुरा लिया। क्यों बे? इसका खाना भी ऐसा ही है ना। ए, तू मेरे बारे में बात कर रहा है क्या? मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगा, समझाना। क्या बात है, आवाज ही नहीं आ रही है, उल्टू साइलेंट हो गया है, लगता है एकदम धक्का तक धकेलते जा रहा है। क्या देख रहे हो? यही है मेरा आशियाना, लोहे का किला। इसके अंदर मैं बफर शेर की तरह रहता हूँ। चलो अंदर आओ। एक मिनट रुको भाई, पहली बार हमारे घर में आ रहे हो ना, पहले दायां पैर अंदर रखो। ए, ये तुझे कुछ और नहीं लग रहा है? अरे तुम दायां पैर अंदर रखो ना। ये हॉल है, वो मास्टर बेडरूम है। कैसा है देखो? हाँ, उधर किचन है भाई। कैसा लगा भाई? शेर की तरह जी रहा हूँ बोला था, लेकिन यहाँ तो लोमड़ी जैसा जी रहा है। हाँ? सरकारी है ना, भाड़ा नहीं देना पड़ता है, ऑनर की चिंता नहीं है। मैं ही राजा और मैं ही मंत्री, सुबह निकलता हूँ तो रात को ही आता हूँ। इस शहर में राजाओं का भी ऐसा घर होगा क्या? अच्छा भाई, तुम कहाँ रुके हुए हो? अड़े यार, 3-bedroom अपार्टमेंट है, सेंट्रलाइज्ड एसी है, 1000cc कार और टाइम टाइम पर ड्रेसर। वाह भाई। अबे वो मेरा नहीं है, फिर भी मैं वैसा ही जी रहा हूँ। इससे बेहतर तो मैं ही हूँ भाई। उस दिन तो तुम मुंह फेर कर चली गई थी, आज क्यों आई? नहीं, वो आकर। जल्दी बोल, टाइम हो गया है। जवाब दिए बिना ही जा रहे हैं। हाँ, I love you too. अब चलूं क्या? भाई, पहली बार तू मेरे एरिया में आए हो, ये लो मिठाई खाओ। अरे, अपने काटेश को खिला? वो ऐसी फालतू चीजें नहीं खाता है भाई। ए, सेठ, ये चाय का टोप तो चेंज नहीं करते, कम से कम अपनी बनियान तो चेंज कर दो, कितनी बदबू आ रही है। अच्छा भाई, तू जिस जगह पर रुका है उसके साथ ये कपड़ा मैच नहीं हो रहा है? भाई, मेरी बिल्डिंग के सामने 4-5 सॉफ्टवेयर वाले रहते हैं, वो लोग डेली अपने कपड़े धोकर सुखाते हैं और मैं उसमें से एक पहन लेता हूँ। बस संभल कर भाई, कहीं अटक मत जाना। सर, आप टी। ए सेठ, तुमने अभी तक चाय बनानी नहीं सीखी क्या? ए भाई, तुम भी जल्दी से कुल्ली करके ग्लास उधर दे दो। ए, इस चाय में क्या कमी है? ए भाई, चाय बहुत ही अच्छी है। थैंक यू। ठीक है भाई, कल मिलते हैं। ओके ओके भाई, अपना ख्याल रखना। ए सेठ, 2 चाय 2 बर्फी। नहीं नहीं, 1 चाय 1 बर्फी, 10 रुपए। हिसाब में लिख लेना। ए, चलो कटले। पैसा लेकर जाओ, कहाँ कहाँ जाते हैं सुबह सुबह। Ha ha.
भी बहुत अच्छा है। ए, मैंने तुमसे कहा था ना किसी ने मेरी मदद की थी। देखो वो लड़का वही है। कहाँ है वो? वहाँ खड़ा है ना बेच का लकी शॉप पहनकर। पर यहाँ क्यों आया होगा ये? और किस लिए आया होगा? 100 रुपए वसूल करने के लिए आया होगा। मैं यहाँ काम करती हूँ, उसे कैसे पता चला? आजकल के सब लड़के ना सूंघ कर पता लगा लेते हैं। चुप कर, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता ना। जाकर हाय हेलो बोल, फिर पता चलेगा पैसे मांग रहा है कि नहीं। इधर ये 100 रुपए देकर देख। जा सर, 100 रुपीज। वो क्यों? मुझे पहचाना नहीं सर। नहीं वो 100 रुपीज पेट्रोल पंप, आपने मेरी मदद की थी। पेट्रोल पंप? अरे आप यहाँ कैसे? मैं यहीं पर काम करती हूँ। चलो अच्छी बात है। क्यों सर? मैं यहाँ परफ्यूम लेने आया था। आइए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। सर पहले ये ले लीजिए। नहीं नहीं, मैंने आपको पहले ही बोला था, इसे आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अच्छा नहीं लगता सर। रखती हो या फिर दूसरे दुकान में चला जाऊँ? ओह सर सर, सॉरी सॉरी सर, प्लीज कम सर। ये देखिए सर, ये नया एडिशन है। ये दिखने में सही नहीं लग रहा है, इसे जो भी चाहिए वो जल्दी देकर इसे यहाँ से भगा दे। तू हर किसी पर शक क्यों करती है? चुप कर। ये कौन है? फ्रेंड है क्या? क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं सर, वो मुझे देखा तो परचेज नहीं करूंगा ऐसा लग रहा है क्या? नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। ठीक है वो बात छोड़ो, अब परफ्यूम लगाओ तो पूरे एरिया में खुशबू आनी चाहिए, ऐसा कोई प्रोडक्ट बताओ। फिनाइल लगा लीजिए ना सर। ये न्यू एडिशन है एंड इट इज रियली वेरी नाइस। ओके आई हैव वन मोर। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है पर बहुत अच्छा है। ये चेक कर लीजिए, ये भी न्यू एडिशन है, फ्लोरल है। ये दोनों आप अपने हाथों में लगाकर दिखा सकती हो? ओके सर। इसके और इसके बीच में और उसके और उसके बीच सर, में ऐसा कोई फ्रेग्रेंस नहीं है सर। कल आ सकता है क्या? मेबी। ओके अगर आए तो इस नंबर पे मुझे कॉल कर लेना। बाय। क्या हुआ रे? कुछ नहीं, पैसा नहीं लिया। वो इतना अच्छा है क्या? मैंने तो कहा था तू ही मानने को तैयार नहीं है। ठीक है चल छोड़। टप्पा यहाँ कैसे आए? ए देखो मैं भी इस डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, हम दोनों ने साथ में ट्रेनिंग किया था ना, समझ के बात किया कर। हे, तुम जैसे लोगों से क्या बात करूँ, तुमने डिपार्टमेंट के लिए काम किया है ना। ए देख अगर अपने डिपार्टमेंट में सर्वे किया कि सबसे बड़ा हफ्ताखोर कौन है तो सबसे पहले तेरा ही नाम आएगा, समझा ना। चलिए सब छोड़, मुद्दे की बात बताता हूँ, डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। तो तूने मेरे लिए नहीं किया, डिपार्टमेंट के लिए किया है। उन लोगों को ये कहकर कि बहुत मेहनत करके पकड़ा है, ऐसा पेपर में छपवा कर उन्हें एक मेडल दिलवाकर मामले को वहीं पर खत्म कर देंगे। और जो इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें देने वाला हूं, देखो इस बार बहुत बड़ी रकम की हेरा फेरी होने वाली है, अगर तुम्हें सौदा मंजूर है तो हमारे बीच में 50-50। ठीक है मैटर बता। वो एक सेट अपने पास जमा कर रहा है किसी एजेंट के जरिए, यूं ये लेकिन वहाँ से वो माल साहूकार पेट में भजन लाल के पास पहुँचेगा और उसका जो अमाउंट है वो कई करोड़ों का, वो पक्का वहाँ निकलेगा और हमें उसे पकड़ना है, यही मैटर है। डील अगर तुझे सही लगती है तो माल बांट ले, ऐश कर। तू
तू तो मेरा जिगरी दोस्त है ना, 50 क्या है, 50 है, 60 रख ले तू। नहीं अग्नि, वो इंसाफ नहीं होता है। इस अग्नि का आधा, बाकी का माल मेरा। ओके है तो बोल। आपको तूने हवा दे दिया है ना, अब कैसे जल्दी हो तो? ए, यूं ही चलते जा रहे हैं, क्या लेने आए हैं यहाँ? अरे यार, वहाँ पर पावर कट है और यहाँ पर हम एसी में घूमते रहेंगे तो शाम तक पता नहीं चलेगा। इसी को तो बोलते हैं ना शॉपिंग, आराम से घूम ले। और वैसे भी तेरा क्या लग रहा है घूमने में, शॉपिंग हमेशा ऐसे ही करते हैं। अच्छा, दूसरे की बीवी को लाइन मारने के लिए आते हैं ऐसा? उसका चुप रहे। अरे आप यहाँ कैसे? कीचेन लेनी थी पर कोई डिजाइन ही पसंद नहीं आ रही। इतने बड़े मॉल में एक छोटी सी कीचेन नहीं मिल रही है? भाई ये हमारी तरह ही जोक कर रही हैं। आज आप ऑफिस नहीं गए क्या? वो मैं यहाँ। कौन सा ऑफिस भाई? वो मैं ऑफिस। तो किस बात का वेट करी है, अभी उसे बता देती ना। अभी अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी कैसे कह दूँ? चल चल चल। अरे रुक जा। आओ, क्या कह रही है तुम्हारी सहेली मेरे बारे में? एक्चुअली ये कह रही थी, अब कैसे कहूँ समझ ही नहीं आ रहा। अपनी लाइफ के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। क्या कल शाम को कॉफी शॉप में मिल सकते हैं हम? ठीक है, आ जाऊंगा। थैंक यू। तो फिर कल मिलते हैं। बाय। ए भाई, कौन है ये? कैसी दिखती है लड़की? एसी की इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट रहे थे, कहीं लव मैटर तो नहीं है? अबे अपना मुंह बंद कर और ज्यादा नाटक मत कर। उसकी आंखें देखकर नहीं बता सकता क्या? उसकी आंखों में प्यार है, कंफर्म लव ही है भाई। कॉफी शॉप में जाना है, हाथ में पैसे नहीं है। तो रुक, मैं बंदोबस्त करके आता हूँ। नमस्ते सेठ जी। हाँ नमस्ते, ये लीजिए। ये ले, वजन कर। क्यों सेठ जी, आप तो एक ही जगह पर बैठे हो लेकिन पैसे और गहने बराबर आपको ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं। अरे मेरे भाई, सब ऊपर वाले की माया है। वैसे सेठ जी, आपके पास तो बहुत ही पैसा है, तो ये गिरवी रखने का धंधा क्यों करते हो? स्टेट बैंक की तरह सेठ बैंक शुरू कर सकते हो। अरे भाई, बैंक से ज्यादा फायदा हमारे इस धंधे में है। क्या कहना चाहते हैं आप? आप लोग जो पेट काट काट कर पैसा जमा करते हो, उसी पैसे से सोना खरीदते हो, पर किस लिए खरीदते हो? जरूरत के वक्त गिरवी रख कर पैसा लेने के लिए। अगर हम लोग नहीं होंगे तो फिर इन गहनों का क्या फायदा होगा? क्या चाहिए सर? कुछ दिखाऊं सर? क्या दिखाऊं सर? कुछ लेंगे सर। ए, कौन है तू? तेरा नाम क्या है? मुरुगन। कौन से गांव का? मदुरई। तू उधर से इधर आकर के चैन चुराए हुए गिरवी रख रहा है? सर ये तो मेरी चैन है। बिल है क्या? बिल सर। सर इस दुकान का ओनर कौन है? मेरा भाई है सर। उसे यहाँ आने के लिए बोल। वो अभी नहीं आ सकता। क्या पुलिस यहाँ आने वाली, उसे पता चल गया क्या? सर ये मेरा कस्टमर है, सोना गिरवी रखने के लिए आया है। हाँ? अपने भाई को पुलिस स्टेशन आने के लिए बोल। ए हवलदार, इस पर चोरी का इल्जाम लगा कर गाड़ी में बैठाओ। और इसे? अरे इसको भी बैठा, इसको भी गाड़ी में बैठा। बोल बोल, कहाँ है माल? बोल बोल, माल कहाँ रखा? पता 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 है, तुई रात में तुई किया था ना उस तरफ, तेरे बाकी माल होगा उस इलाके में, रात में तुई किया था ना। तेरे को क्यों लाया इन्होंने सर? पता नहीं, मुझे और मेरे कस्टमर को उठा कर यहाँ पर ले आए भैया। इंस्पेक्टर कौन? कौन है तू? आई एम एडवोकेट सुरेश। क्या जुर्म किया इन्होंने? हाँ? दिन दहाड़े अड़ियार गांव में किसी की चैन खींची है और इसके दुकान में गिरवी रखने गया था ये। ए हवलदार, मारना रोक यार। ओके सर। सर हमारी दुकान में ऐसा होने का कोई चांस नहीं है, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। तो फिर हम लोग जबरदस्ती इस पर इल्जाम लगा रहे हैं क्या? चेन इधर है, डॉलर का। सर उसमें डॉलर नहीं था। सर उसमें डॉलर था, क्या बताए? सर क्या है,
आखिर आप चाहते क्या है? डॉलर चाहिए। चैन लो, डॉलर दे दो, मैं तुम्हारे आदमी छोड़ दूंगा। क्या हुआ सेठ? ज्यादा मत सोच, नहीं तो सोने का भाव बढ़ जाएगा। ए, सॉरी भाई, चलो। यहाँ क्यों लेकर आए थे तुम्हें? उनका आपस में कोई मसला था, फोकट में मुझे यहाँ लेकर आ गए। फालतू में टेंशन, रुक मैं फाइन भर के आता हूँ। अरे रुक जाओ भाई, क्यों फोकट में वापस जा रहे हो? लगता है तुम सब कुछ बता दोगे। चलो यहाँ से। अरे छोड़, चलो ना। अरे चलो चलो, एक खटले चल। अकेली लड़की हूँ और सबकी लाडली भी। सब चाहते हैं कि मेरी लाइफ में सब कुछ मेरी पसंद का हो। हमारी मुलाकात हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, यही सोच रहे हैं ना आप? अरे नहीं नहीं, तुम्हें और गलत समझो। ये लीजिए। ये कौन है? आपका भाई है क्या? हाँ, मेरे घर वालों ने मेरे लिए दूल्हा चुना। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, टाइमिंग परफेक्ट था। हाँ बिल्कुल, मैंने भी वही सोचा था। मुझे पता था कि आप इस फोटो को देखकर बिल्कुल इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तेरी की। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, आपकी ही कंपनी में काम करते हैं। क्या कहा? मेरी कंपनी में? हाँ TCS में, आप भी तो वही काम करते हैं ना? वो मैं, तुम अपनी बात बताओ ना। इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स चाहिए थी। जब मैं आपको पहली बार मिली थी ना, तभी समझ गई थी कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। किसी और से अगर ऐसे बात करती तो दूसरे ही दिन आई लव यू कह दिया होता। क्या तुमने? पर आई लव यू ना कहकर आपने एक अच्छे दोस्त का फर्ज निभाया है। अभी क्या है, ये आदमी कैसा है, ये क्या करता है, ये पता करना है ना? हाँ यही पता करना है। चलो ठीक है, बाय। राजा, एक एक टुकड़ा दे देना। अरे देना देना, अरे देना, अरे देना यार। क्या यार? हाँ मुझे पेट में भूख लगी है और तुझे दिल में दर्द हो रहा है। हम दोनों को छोड़कर ये मोटा चिकन लॉलीपॉप कैसे दबा रहा है देखना। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, उससे पहले मैं। मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका चेहरा देख के वो शर्मा जाती है। ए, कम से कम वो हड्डी तो देना। ए, हड्डी पे तेरा हक नहीं है, उसको भी चबा जाएगा, अचार की तरह निगल जाएगा उसे भी। छे, इसके पास खाना मांगने से अच्छा है 10 गली में भीख मांगकर खाना खा के सो जाऊं। छे, मैं जाकर अपना बंदोबस्त कहीं और ही देखता हूँ। भाई ये सब कहानी सोच कर परेशान मत हो। मुझे रहा नहीं जा रहा है। ब्रेन यूज करो। क्या ब्रेन? जब उसने मुंह खोला तो तुम्हें भी बोल देना चाहिए। बोला नहीं ना, बोला नहीं। वो तो तुम्हें अच्छा इंसान बोल रहे थे। इस जमाने में अच्छा इंसान बनकर आए हो तुम। करेक्ट करेक्ट। मौका मिला तो हर इंसान गलत होता है, उसके पास कोई माइनस पॉइंट होगा, वही तुम्हारे लिए प्लस है।
इसका एक्सरसाइज भी कुछ अलग ही है, पता नहीं कैसे मैनेज करता है। ए भाई, तुम्हारा शरीर ऐसा है क्या? देखो उसने अपने शरीर को कैसा फिट रखा है। यही बताने के लिए मुझे सुबह सुबह उठाया गया? तो एक काम करूं क्या, लकड़े से मार कर इसका सर खोल दूं क्या? अबे ऐसे कैसे सर खोल देगा तू, पागल हो गया क्या? जरा चुपचाप रह। तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई? ये इस खंभे की ऐसी हालत कर रहा है, अगर इसे मिल गई ना। अबे चुप रह। ये क्या हो रहा है? हेलो, वार्म अप कर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? वार्म अप कर रहे हैं, संभल के संभल के। ऐसे क्यों हिल रहा है? सर, आपका डांस बहुत ही अच्छा लग रहा है। सही कहा भाई। हेलो, देखो आदमी सुबह सुबह व्यायाम एक्सरसाइज योगा इसलिए करता है कि ताकि उसे शुद्ध हवा मिल सके, और तुम यहाँ पर गुप गुप करके सिगरेट का धुआं छोड़ोगे तो सामने वाले को परेशानी होगी ना। ये सब पीना गलत है। क्यों सर, गलत है क्या? अरे ऐसे क्या पूछ रहे हो तुम। अच्छा सुनो, एक स्वस्थ आदमी का हार्ट जो होता है वो एक मिनट में 72 बार धड़कता है। जब आदमी जॉगिंग वॉकिंग करता है तो हार्ट की स्पीड बहुत बढ़ जाती है, ऐसे में सिगरेट का धुआं आ गया तो हार्ट अटैक आदमी को आ सकता है। डॉक्टर की पढ़ाई की है क्या? किताबें पढ़ी है मैंने। सर, अब जरा ये पकड़ो। हेलो, मैंने तुम्हें पीने के लिए मना किया और तुम मुझे दे रहे हो ये? सर एक मिनट तो पकड़ो ना। हाँ बोलो। सर, मेरी मम्मी पापा चाचा चाची मामा मामी इन सब ने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी। लेकिन आपकी बात मैं जरूर सुनूंगा। वेरी गुड। अरे आप इसको छोड़िए, फेंकिए सर। आप दम नहीं मारते ये तो मैं समझ गया, लेकिन एक बार मार के दिखाइए ना। अरे मैंने बताया ना, मैं नहीं मारता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन सुपरस्टार दम मारेगा तो वो अलग स्टाइल होती है। इतना ही क्यों सर, अपने फेवरेट हीरो की भी दम मारने की स्टाइल होती है। वैसे सर, आपकी अपनी दम मारने की कोई स्टाइल हो तो बताइए। मतलब तुम्हें मेरा स्टाइल देखना है क्या? एक मिनट। हाँ ओके ओके। सुपरस्टार, इन लोगों से भी बढ़के कोई स्टाइल दिखाना होगा मुझे। दिखाइए दिखाइए। सुपर सर, थैंक यू थैंक यू। अच्छी स्टाइल है सर, एक बार और करके दिखाइए, जरा दिखाइए दिखाइए। एक दिन में 3 पैकेट सिगरेट फूंकता है ये लड़का, और एक दम के साथ साथ 1 कप चाय पीता है। क्या हाल होगा इसके शरीर का? पर उसके पापा ने कहा था कि उसे कोई बुरी आदत नहीं है। ओ तो ऐसा। अरे अरे, धीरे बात करो। मैंने ही उसे दम मारने के लिए कहा और उसकी फोटो निकाल कर तुम्हें दिखा। कुछ भी बोलती हो। ओहो सर, पर मैंने ऐसा थोड़ी कहा। एक बात कहूँ, दूल्हा मुझे पसंद नहीं है, शादी को रोक दो। पर क्यों? अरे वो आदमी चेन स्मोकर है। आजकल कौन स्मोक नहीं करता? In fact, smoking is manliness. और वैसे भी मम्मी डैडी की पसंद का है, मैं शादी के बाद सुधार दूंगी उसे, टेंशन मत लो। अरे बाप रे। ये सब फैशन वाली फैमिली के लिए शूट कर सकती है। चुपचाप अपना सिर घुमा लो, उसे उसके साथ शादी करने दो। अरे क्यों ही ना यार, ये प्यार है भाई, ऐसी फालतू की चीजें इसमें नहीं चलती। सही बात है भाई, ना तो रंग है ना ढंग है। हाँ, वो डबल ढोल की लगती है। क्या मतलब? उसका जो हीरो है ना, शायद उसमें कुछ गलती हो। ओ अच्छा। सही बात है भाई, ऐसे आदमी को दिमाग से नहीं हटाना चाहिए, उस पर नजर रखनी चाहिए। अरे ठीक से मुंह खोलो ना। बराबर डाला मेरा शो ना। अरे तुम्हारे मुंह में तो लड्डू भी चला जाएगा, कितना बड़ा मुंह है तुम्हारा। इतनी खूबसूरत बीच पर एक बुढ़िया को लाकर चने खिला रही है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए हमें ये सब सहन करना पड़ रहा है। अरे अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं भी आऊँ क्या? क्या है रे? कुछ नहीं, वो दिख रहा है ना। अरे कितना तेज तेज खाती हैं आप। मैंने जैसा कहा वैसा कर दो।
इतना जल्दी जल्दी खाओगे तो आदमी भिखारी हो जाएगा। बचपन से ऐसी हो गया चाची। लगता है इसे नहाने की बहुत जल्दी है। अरे वो नहाने नहीं, जान देने जा रही है। जा जल्दी जाकर उसे बचा। रुको रुको, मरना मत, मरना मत। सुनो सुनो, क्या कर रहा है तू? अपराध है तेरे को, मैं आ रहा हूं। अरे जाकर मत, रुक जाओ रुक जाओ। रोमांस कर रहा है ना? अच्छा अटक गया। क्या बात है? कोई भी लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई सौतन आए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। बात क्या है? बता दो। आप जैसी हो आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो करना है सोच समझ के करना। अब देख, ये सही वक्त है। अगर मिस हो गया तो दोबारा नहीं मिलेगा। तेरा प्लान क्या है? जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम प्रेस को रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है? हम इसकी पूरी छानबीन कर रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर जो मुजरिम है वो सलाखों के पीछे जरूर होगा। पाए गए खून को हमने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भी भेज दिया है। बैग अंदर नहीं है भाई, और आदमी के स्पॉट पर मौत हो गई। जाके पूछ कि वो लाश किसकी है। ठीक है, मुझे सारी डिटेल चाहिए। इन्फॉर्म जरूर करेंगे। एजी, सिंगल पट साड़ी पुलिस स्टेशन के बाजू वाली दुकान में सेल में मिल रही है, ऐसा मैंने सुना है। वो साड़ी मुझे दिलवा दीजिए ना जी। ये लीजिए। अरे सिंगल पट की कितनी कीमत है तुझे पता है? मैं तुझे दिला दूंगा। Huh?
दिन मुझे अंदर डाला था ना, वही इंस्पेक्टर था। उसने तुझे कुछ किया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं किया। अरे बाप रे, मैंने फाइन मार दिया। ये क्यों लाए भाई? अरे उस दिन भी तो तूने मुझे फाइन भरने नहीं दिया था, और आज उसने अपने काटलेश को भी मारा। हां, और मैंने उस पे फाइन मार दिया। क्यों काटलेश? क्या है? तूने उसकी गाड़ी पे सुसु किया इसलिए तुझे लात मारी ना। ये देख उसका बैग, इस पे जितना सुसु करना है कर ले। हां, इसमें से तो फॉरेन करेंसी की खुशबू आ रही है। मार ले। किस करने की जगह पिस करने को बोल रहे हो? इस बैग को कटलेश भी नहीं छू रहा है और तुम इसे उठा कर ले आए हो। ये लो। ये मुझे क्यों दे रहा है? ले लो अपने पास। ये बैग तो फिर से क्यों उठा कर लाया? हाथ में अलाउद्दीन का चिराग रखकर लुक्खे के जैसा घूम रहे हो। ए, ये कभी कोई गलत काम नहीं करता, इसमें जरूर कोई बात है। ये भी पुलिस वाले के जैसा ही बात कर रहा है। जल्दी से खोल के देखना। बेवकूफ निकला। अगर हम एक बंडल को कैश करेंगे तो अपने यहाँ का 6 लाख रुपया होता है। 6 लाख? अरे मुंह बंद कर, मच्छर घुस जाएगा। तो फिर इस पूरे बैग का? अभी तू मुकेश और मैं अनिल। ऐसी बात है? अरे वो बहुत पैसे वाले हैं ना। ए भाई, अगर ये उसने किसी अच्छे काम के लिए रखा होगा तो? अरे वो पुलिस वाला बहुत बड़ा कमीना है। वो इतने डॉलर्स अपने पास रखा है, मतलब पक्का ये कोई गलत काम का पैसा है। लक्ष्मी हमें ढूंढते हुए आई है यार, क्या करना है? मिट्टी में दबा दे। हमारे आने तक इसकी हिफाजत ध्यान से करना, ठीक है? समझ गए ना? हां, निकलो। चलो भाई, मैं देख लूंगा सब कुछ। ए, आज तो कम से कम मेरे लिए बिरयानी लेकर आना। ए, क्या चाहिए सर? भाई जरा वो फोन दिखाइए। अच्छा, ये वाला क्या? अभी फोन क्यों ले रहे हो? पैसे कहां हैं? अरे भाई, ये सारी बातें थोड़ी आइडिया से पूछनी पड़ती हैं, अचानक नहीं पूछना चाहिए। सर ये है नया मॉडल। कितने का है? सर ये 13,500 का है, चार्जर फ्री है। बाहर आओ। भाई जरा कस्टमर आया है। सेट का नोट कोई चेंज करवाने आएगा तो तू कमीशन के चक्कर में उल्टा सीधा मत कर देना। कोई अगर यहाँ नोट चेंज करवाने आता ना तो सेठ के कान में जाकर बोलने का। ठीक है भाई। कमीशन के चक्कर में अपनी मौत मत बुला लेना। सेठ को पता चला तो तुझे छोड़ेगा नहीं। भाई 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 मैं सब समझता हूँ भाई, अभी धंधे क्या तेरा धंधा? भाई पैसे वाले ढूंढने लगे हैं, लगता है बदली नहीं कर पाएंगे। यहाँ चेंज नहीं कर सके तो क्या हुआ? दूसरी जगह तो है। कहाँ? सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मैं जो पार्टी बोला था ये वही है।
आओ। कौन सा करेंसी है? यूएस डॉलर्स। डिनोमिनेशंस क्या है? हंड्रेड्स। कितने बंडल हैं? 50-60 बंडल है। बस एक ही बंडल है। नोट बहुत नया दिख रहा है। हाँ, अभी उसे साबुन से धोकर लाए हैं। भी चुप रहना। 6 लाख रुपया है। अगर और भी हैं तो लेकर आओ, पैसा पूरा कैश दे दूंगा। अब करने का क्या है भाई, सारे पैसों को बदली करा लेंगे और गांव जाएंगे। हम दोनों के पिताजी भी खुश हो जाएंगे। हम दोनों के ऊपर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तुम 5 एकड़, मैं 5 एकड़, दोनों जमीन लेकर। भाई तू मुझे बोल रहे हो, मैंने वहां छुपाने के लिए बोला तो तुमने भी यहां बोला था ना? ये सेफ जगह है, यहां छुपाओ तो कोई नहीं आएगा, ऐसा तूने ही बोला था ना? अब क्या करेंगे? घर पे जाके उल्टा होके सो जाते भाई। चलो चलते हैं। ए, कहाँ? पैसे निकालने। अबे बैंक जाकर चेक देकर पैसे निकालने की बात कर रहा है? वो पुलिस स्टेशन है, गोली मार देंगे। 500 चेंज है क्या? डॉलर में है, दूं क्या? क्या है? आपको क्राइम ब्रांच से ट्रांसफर कर दिया गया है, कल से ही ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ऑर्डर लेटर लेके आया हूँ। यही इन्फॉर्मेशन देने आया हो क्या? जाओ यहाँ से। वो मुझे दे दीजिए, मैं उन्हें दे दूंगी। 4 दिन हो गए हैं, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। घर के अंदर ही बैठे हैं, सिर्फ पीते जा रहे हैं। कोई कुछ कहता है तो चिढ़ते हैं। मैं चलता हूँ। ठीक है, घबरा मत, मैं देख लूंगा। सेठ, उसके पास पैसा नहीं है, ये एकदम कंफर्म है। तो गया कहां?
पर नहीं गई? सॉरी, किसी भी तरह वो बातें तुम्हें पता चल गई होंगी। उस दिन तुमने अकेले में बात करने बुलाया था तो मुझे लगा प्यार की बातें होंगी, मैं गलत सोच बैठा था। मेरा प्यार सक्सेस नहीं हो पाया तो मैंने तुम्हें गलत बता दिया। उस दिन तुम दोनों को मैंने स्टोर में देखा था तो तुम दोनों बहुत ही खुश लग रहे थे, मुझे टोकना अच्छा नहीं लगा। मेरा प्लान तो फेल हो गया, ये सोच के मैं वहां से निकल गया। तुम्हें देखते ही मुझे लगा कि एक लड़की चाहे तो इंसान को सुधार सकती है, और ये बात तुमने सच में साबित ही कर दी। तुम बहुत अच्छी हो और वो भी बहुत अच्छा आदमी है, दोनों की जोड़ी परफेक्ट होगी। उसमें कोई बुरी आदत नहीं है, वो तो चाय पीना भी गलत समझता है। दोनों की शादी कब है? क्या पूछा तुमने? शादी कब है ये पूछा? जल्दी ही होगी। क्या भाई, सुबह सुबह पी रहे हो? एकदम टॉर्चर है यार, क्यों प्यार के चक्कर में मर रहा है। वाह वाह, ये तो अपनी बिरादरी का लग रहा है। फौरन शादी कर लो, बोल बोल के परेशान कर दिया है। कोई लड़की बोलेगी तो तुरंत शादी कर लो, वरना कोई और ले जाएगा उसे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। ये भी एक दुखी आत्मा है, जब भी देखो नेगेटिव ही बोलता रहता है। हेलो। हेलो मुर्गन, मैं महेश्वरी बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। तुम जल्दी से निकल कर रेमी मॉल के शॉपर स्टॉप में आ सकते हो? हाँ आता हूँ। भाई एक जरूरी काम है, मैं फौरन जाके आता हूँ। अरे सुन तू रुक, मैं आता हूँ, और ज्यादा पीना मत। हाँ बोलो। Hey, hello, कैसे हो? अच्छा हूँ मैं। देखने से तो ऐसा नहीं लग रहा। सुनो। सुनो, मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? शादी का कार्ड देने के लिए बुलाया। शादी का कार्ड? शर्ट अच्छी लग रही है ना? क्या कहा तुमने? ये शर्ट अच्छी लग रही है ना, ऐसा कहा? क्यों? इनविटेशन कार्ड दोगी तो मैं चला जाऊंगा। बहुत काम है मुझे। क्या काम है? अरे एक अर्जेंट काम है मुझे। और ये वाली पहन कर कैसी लगेगी? पीछे मुड़ो ना। हेलो, ये सब किस लिए? दूल्हा पहन कर अच्छा लगे इसलिए तुम्हारे ऊपर लगा कर इसे चेक कर रही हूँ। मेरी शादी में जरूर आना। क्या ये कैसे लग रहा है? क्या बे, अपना भविष्य देख रहा है क्या? नहीं भाई, शराब जिंदगी बर्बाद कर देती है लिखा है। हाँ तो उसमें नया क्या है? नहीं समझा। शराब फैमिली को बर्बाद कर देती है तो हमारे लिए नहीं है। कहना क्या जाता है? हमारी फैमिली ही नहीं है ना। एक्सीलेंट, सुपर जोक, सुपर। ये इतने गुस्से में कहां से आ रहा है? हाँ? ए, और एक फुल बॉटल है। ए, पानी पिला। क्या हुआ, इतने गुस्से में आकर पी रहे हो? कुछ लफड़ा हुआ क्या? मुझे गुस्सा मत दिला। ये क्या है भाई, तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड है क्या? देख तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। शादी का निमंत्रण पत्र, सभी मेहमानों का स्वागत है। गणपति लक्ष्मी दुर्गा के आशीर्वाद से शुभ कार्य मंगलमय हो। आने वाले शुक्रवार को चेन्नई बड़ा पलवनी में टी वेंकटेश्वर पट्टियूर गांव के निवासी दुराई स्वामी, उनकी पत्नी कन्नम्मा, चेन्नई विलियम वाकम गली के डी कृष्णन, उनकी बेटी। अरे क्या हो गया, क्यों फाड़ रहे हो?
अरे शादी करने जा रही है कमीना दूल्हा। और सालन दू नहीं चाहिए माँ। क्या हुआ बेटी, आज तुम खाने के लिए माँ को मना कर रही हो? खाना खराब बनाया क्या? तुम कहो तो कुछ और बनवा देता हूँ। नहीं पापा, भूख नहीं है। अभी कहाँ हो तुम? घर पर। अभी बीच रिसोर्ट पर मिल सकती हो? हे हाय, आओ ना अंदर। क्या है उधर? अरे यहाँ सामने खड़े होकर देखो, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? अगले हफ्ते तुम्हारी इसके साथ शादी है और अभी यहाँ पर ये दूसरी लड़की के साथ आइसक्रीम ठूस रहा है। ये सब करते हुए उसे शर्म भी नहीं आती। मैं उसको तो, अरे कहाँ जा रही, सुनो तो उसे। अरे देखो तो उसकी हरकतें, अरे उसको पूछोगे नहीं क्या? तुम भी ना यार, वो तुम्हारी जिंदगी के साथ जुड़ने वाला है और तुम वो जिससे शादी करने वाला है उसे आइसक्रीम खिला रहा है, उससे हमें क्या? तुम कहना क्या चाहती हो? तुमने उसे हम दोनों के साथ देखा था ना, उसके बाद क्या हुआ पता है तुम्हें? बाय द वे पवित्रा, ये है महेश्वरी। तुमसे पहले मैंने इसे पसंद किया था। हाय, आप बहुत किस्मत वाली हैं कि आपकी शादी इनसे हो रही है। अरे कार्ड तो निकालो। ये लीजिए हमारा मैरिज इनविटेशन कार्ड, और आप दोनों को आना है। देखो भूलना मत, तुम दोनों को आना है। हाँ, वही शादी का कार्ड मैंने तुम्हें दिया था, और तुम हो कि तुमने वो शादी का कार्ड एक बार खोलकर देखा भी नहीं। अरे वो तो मैंने नशे में फाड़ कर फेंक दिया। बुद्धू कहीं के। वैसे शादी तो बहुत यही है जिन्होंने आपकी फोटो निकाली थी। याद आया, फोटो निकाल के मेरी शादी का कबाड़ा करने वाला ये वही आदमी है ना? वही है। आप यहाँ आए मुझे बहुत खुशी हुई। आपको मुबारक। थैंक यू सर। इधर आइए, आइए ना। क्या बात है वो सर, लड़की तो बड़ी खूबसूरत पटाई है आपने। वैसे मेरी जोड़ी कैसी लग रही है बताओ सर? आप भी ना सर। अरे शर्माओ मत, बताओ ना सर। चुप रहिए। अरे एक बार तो देख लो। बाप रे, अरे जैसे क्या बोल रहे हैं आप सर? मैं नहीं देख सकता सर, चुप हो जाइए। मुझे डर लग रहा है सर, मैं नहीं देख सकता। चुप हो जाइए सर, मैं नहीं देख रहा था। चुप हो जाइए सर, बहुत ही सुपर जोड़ी है सर। आप दोनों की जोड़ी बहुत ही जचेगी सर, बहुत ही अच्छे लग रहे हो दोनों। इन्हें देखकर बोलो सर, ये कौन है आप जानते हैं ना? अब मेरी लगाम इन्हीं के हाथों में। सर सर अब वन फोटो। अपनी शादी का कार्ड जरूर देना, हम दोनों पक्का आएंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। इट्स नाइस। उसने स्टेज पर जो बोला वो तुमने सुना या नहीं सुना? क्या सुना? वो शादी और कार्ड, वो क्या शादी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। ऐसी खाओगी तो कहाँ से सुनाई देगा? क्या कहा? नहीं समझी, चलो अच्छा है, खाओ खाओ, अच्छे से खाओ, ठूस लो। उसने जो कहा था मैंने सब कुछ सुना। तुम राजी हो क्या? कल सुबह मुझे पार्क और बीच रोड पर जाना है तो मैं बस बस। कल पापा ने तुम्हें घर पर बुलाया है। मुझे? वो क्यों? स्टेज पर जो कहा था ना वही बात करने के लिए। बोलिए, आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो मिल गया सर। क्या? उसका बेटा मैं ढूंढ रहा हूँ। ये कौन लोग हैं? अपनी दुकान में जो चेन का लफड़ा हुआ था ना सेठ, ये वही लड़का है और छोटा वाला उसका दोस्त है। पुलिस स्टेशन के पास देखा था मैंने।
ये अभी कहाँ होगा, इसे कैसे ढूंढेंगे हम? भैया इसका एड्रेस मेरे पास है भैया। हेलो, कब से फोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे? क्या कर रहे हो? अभी तो मैं जिम में हूँ। मुझे पता है तुम सो रहे हो, झूठ मत बोलो मुझसे। ए शैतान, जान लोगी क्या? ए कल क्या कहा था, सब भूल गए क्या? क्या बोला था? कहा था ना पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, घर पर वेट कर रहे हैं वो। क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो तुम? ठीक है, ज्यादा बको मत, तुम्हारे फोन रखने से पहले वहाँ पहुँच जाऊंगा। बाय। उसके भरोसे बैठी रही तो पूरा दिन निकाल देगा, अच्छा होगा कि मैं ही वहाँ चली जाऊँ। पुलिस स्टेशन बन चुका है। पुलिस स्टेशन हो या रेलवे स्टेशन हो, रखा तो तूने है ना, लेकर आ। ए, टोकन देकर गाड़ी लाने की बात कर रहा है, तू ही जमा जाकर ले ले। चुपचाप पैसा वापस कर दे और इसे लेकर जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों भाई, कुछ काम बनेगा क्या? नहीं सर, आज तो कुछ भी नहीं बनेगा। अरे यार तू ऐसा बोलेगा तो कैसे चलेगा? सर सब कुछ तो आपके सामने ही है, देखिए ना। समझता हूँ मैं। ए रुक, क्या हुआ? ए, कहां से आ रहा है तू? फिल्म देख कर आ रहा हूं। टिकट कहां है? नहीं है। चल निकल। सर इसको अंदर डालें क्या? अरे यही बहुत है, जिसे पकड़ा है उसे अंदर डाल। ठीक है सर। उषमा सर, कहाँ हो तुम? क्या सर, यही ड्यूटी पर हो? अच्छा है, हम दोनों के लिए एक खास ड्यूटी है। सर। अच्छा एक काम करो, अपनी ड्यूटी छोड़कर मेरे पास आ जाओ। हाँ hey, कौन सा केस है? चोरी का केस है साहब। hey, चलो चलो अंदर चलो। सब चलो, 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 चलो। Thank you.
चुपचाप शांति से बैठो, फालतू बकवास मत करना, समझे? मैं गरीब औरत हूँ, ये सुधरना नहीं है, इसे अंदर डाल दीजिए। हाँ हाँ डाल देंगे, आप चुप हो जाइए। साहब आपको बहुत दुआ मिलेगी, इस आदमी से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, हर रात को परेशान करता है मुझे। छोटे मोटे झगड़े के लिए आप इसे थाने में मत लेकर आया करिए, आप क्या चाहती है मैं इसे जेल में डाल दूँ? सर मैं बताऊँ क्या? दिमाग मत खराब करो, जाओ यहाँ से। अरे साहब मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ साहब, ये गाल खींचता है, हाथ पकड़ता है, लेकिन मेरे नहीं बाजू वाली के। साहब तू ऐसी हरकतें करता है? क्या नाम है तेरा? कट्टारू। चटनी बना दूंगा तेरी, उस कोने में जाकर बैठ, समझा ना? सर मैंने कुछ नहीं किया। ए रोना बंद कर, चल ना। ए बस बंद कर, चल। ए अंदर कहाँ जा रहे? उधर इंस्पेक्टर का रूम है, पीछे की ओर जा। नाम क्या है तेरा? गणेश सर। करता क्या तू? ऑटो ड्राइवर। ऑटो चलाता है? मेरे दोस्त का ऑटो है सर। उसके अलावा क्या करता है? कुछ नहीं साहब। चोरी किसने की है? मैंने नहीं की साहब, सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल। झूठ नहीं बोल रहा साहब। सच बता नहीं तो बहुत मारूंगा। कसम सच बोल रहा हूँ साहब। सर उषमा आती हूँ, जल्दी से आओ उषमा। ए भगवान कैसे लोग हैं। बहुत खुश हो ना? इस एरिया की जितने भी फाइलें लेकर के आओ। यस सर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या है? हाँ चुपचाप बैठो, साहब अभी सुन लेंगे। सर ये कैसी आवाज है? एक गुंडा है सर, छोटे केस में मुझे अंदर डाल दो बोलकर ऐसा परेशान करके रखा है। इसे अंदर भेज दो। ओके सर। सर क्या बात है? मेरे को अंदर जेल में डाल दो साहब, किसी भी मर्डर केस में फंसा के मेरे को अंदर डाल दो साहब, ताकि मेरे एरिया में मेरा भी नाम हो जाए साहब। इधर आ, थोड़ा नजदीक आ। सर नजदीक आऊंगा तो आप मुझे मारोगे? मारूंगा नहीं, आ तो। नाम क्या है तेरा? नाम करने के लिए तो मेरे को अपने एरिया में गुंडा बनना है साहब। गुंडा बनकर आना है क्या? रॉबरी केस नहीं है इसमें, वो अलग फाइल में है सर। जाओ लेकर के आओ। ओके सर।
पूरी फाइल सर। अब इसकी जरूरत नहीं, इसे वहीं रखाओ। ओके सर। एक काम करो, ये फाइल को अंदर रख दो वापस। नमस्ते सर। जबरदस्त कुत्ता है वो। कौन सी ब्रीड का है सर? किस कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो तू पाल रहा है उसी कुत्ते के बारे में बोल रहा हूँ। वो मेरा नहीं है सर, कुबेरन का है वो। कुबेरन? वो कौन है? ये पुलिस स्टेशन बनने से पहले वो यही रहता था। यहाँ? हाँ सर, काम धंधा नहीं था, उसका घर बार भी नहीं था, इसलिए वो यही रहता था। वो अकेला रहता था फिर, या उसके साथ कोई और भी? वो अकेला ही रहता था सर, अभी अभी उसका कोई दोस्त उसे मिला, वो दोनों साथ साथ घूमते हैं सर। सर कोई गलती हुई क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसे ही पूछा। तो जा। चलता हूँ सर। हाँ। क्या बात है? एक मदद चाहिए। क्यों? बेहोश करने वाली दवा चाहिए। मना मत करना प्लीज, सिर्फ थोड़ा सा ही चाहिए। कब मिलोगे? बहुत जल्दी। जल्दी आना। साहब, कॉफी। मैंने जो बोला तो बोला है कि नहीं? अभी लाया साहब। थोड़ा छिपा के लाने का ना, कोई देख लिया तो? ठीक है, अब चल निकल ले, निकल ले। ए, सुना नहीं क्या तूने? जाने के लिए बोला। ठीक है साहब। अब मेरा काम हो जाएगा। वहाँ एक लेडी कांस्टेबल भी है यार, वो छूट गई ना। गलती कर दी। ये कहाँ से टपक गया? उषा सर। उषा माँ। आती हूँ सर। आ जाओ। ठीक है सर। ए, खाली फुकट में हंसो मत। अरे डार्लिंग। ए, तू यहाँ पर कैसे? मुझे घर से निकाल दिया है। क्यों? मैं गली के डॉगीज को खाना देती हूँ ना, इसलिए। तू क्यों ऐसा काम करती है रे? अरे पागल, वो तुम्हारे बारे में ही कह रहे थे। ओ, ऐसा है क्या? अपनी तो इज्जत ही इतनी है, दूसरा क्या करने का प्लान है? अब तुम्हें ही मुझे जिंदगी भर संभालना होगा। एक तो सुबह से भूखा मर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ, उसके ऊपर से इसे अपने साथ रखकर जिंदगी भर संभालने को बोल रही है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही, ये सब तो मेरे लिए मामूली सी बातें हैं। Thank you.
थोड़ी बात कराओ। हेलो? अरे मेरी इंस्पेक्टर से बात कराओ। हाँ सर, इंस्पेक्टर वहाँ नहीं है क्या? वो घर चला गया है सर। जैसे आए उसे बोलो कि मुझे फोन करे। हाँ ठीक है सर, मैं उसको ये बता दूंगा। ठीक है सर, रखता हूँ। पागल 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 कर दिया तुमने मुझे। तुम्हारी वजह से मेरी बीवी बच्चे मुझे पागल समझने लगे हैं। ए, ये सब अंदर रख। पैसों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें पैसे मिलते हैं हम खर्चा कर देते हैं। और इतना बड़ा रिस्क मैंने क्यों उठाया ये जानते हो? क्योंकि जिससे मेरी शादी होने वाली है वो मुसीबत में है। तू मुझे पागल समझ रहा है क्या? ये सच कह रहा है। सेठ ने हमें तेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। तू सुनते हुए हमारे पीछे आएगा हमें पता था, इसीलिए हम लोगों ने आधे पैसे कुत्ते के साथ भेज दिए। चाहिए तो बैंक में देख ले। अगर बैग के साथ जाओगे तो काम हो जाएगा, इसलिए सोचो और फैसला कर लो। जूली, हाँ? लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मेरे उतरने का टाइम आ गया। उस तरफ से Thank you.
राजा। ये तो बहुत नाइंसाफी है, तुमने रिस्क उठाया और मजे ये लोग लेंगे। चल आजा आजा आजा। ये इंसान है। इससे पहले भी मैंने तुम्हें पैसे दिए थे लेकिन तुम लोग उसकी सही से हिफाजत नहीं कर सके। लेकिन अब मेरे पास एक और जिंदगी है। क्या तुम भी ये बातें उन लोगों को सुना रहे हो? सुनाना जरूरी होता है। अब ये सारे डॉलर्स को ले जाकर एक पढ़े लिखे आदमी को देकर मैं अमेरिका में सेटल होना चाहता हूँ। अगर मुझसे मिलना चाहते हो तो वहीं पर मिल लेना। और जूली, अमेरिका में 12 महीने ठंडा मौसम रहता है। चलो चलें।